हेलो 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 ठीक है चलिए भाई आ जाइए आप लोग भी नमस्कार प्रणाम आदा वंदे मातरम भारत माता की जय आ जाओ फटाफट फड़ सिलेबस देख लें पहले क्या सिलेबस है तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोकैब बोकैबलरी है उसके बाद आपका है टेंशन उसके बाद आपका क्या है एस और फिर इसी में क्या होता है पी आर सी आई एस क्या पढ़ते हो इसे प्रेसी एस नहीं पढ़ा जाता है प्रेसी राइटिंग बोलते हैं क्लियर ये आपका सिलेबस है वो कैब में बात करेंगे वो कैब का मतलब क्या होता है शब्द ये वर्ड व्यू देख रहे हो ना यहीं से हमारा आता है वोकल कोड आता है कि नहीं आता यानी वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या देखने सुनने को मिलता है हमें साइनो एंटो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना साइनो है एंटो, एंटो है डब्ल्यू एस वन वर्ड बोलते इसको उसके बाद हो सकता है ईडियम एंड फ्रेज भी पूछे स्पेलिंग टेस्ट के बारे में नहीं दिया है हो सकता है पूछ ले स्पेलिंग टेस्ट आप जानते होंगे चार वर्ड दे दिया एक स्पेलिंग गलत है जो सही है वो आपको फाइंड करना है क्लियर ये वो कैब का हो गया का क्या मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसन वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंड से कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडर under और अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है समझना यानी एक पैसेज दिया हुआ होगा उसको पढ़ के समझना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर इसी पैसेज में होगा जो समझ के फाइंड भी आपको करना है यही होता है कॉम्प्रीहेंसन चलिए ऐसे की बात करोगे यानी ऐसे कैसे लिखा जाए लेख को कैसे लिखा जाएगा भी समझाएंगे और आप प्रेशी की बात करेंगे और एक टर्म और बच गया यहां पे लेटर क्या बच गया लेटर तो इतना तो मालूम होगा टू टाइप्स का तो सबको मालूम होगा फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है क्लियर है मामला ऐसे किसी भी टॉपिक में दिया जा सकता है प्रेशी किसको बोलते हैं क्या लिखा है मैंने यहां पे समरी समरी का मतलब होता है इन शॉर्ट यानी किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखना बचपन में आप लिखे भी होंगे स्कूल सब में है ना पूरा पढ़ लो जितने वर्ड्स आए हैं थ्री से डिवाइड कर दो जितना आउटपुट मिला उतने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना होता है यही पढ़े हैं आप चलिए ऑनलाइन तो वाले समझ गए होंगे कोई भी डाउट होगा सवाल कीजिएगा चलिए अब यहाँ से आते हैं कलेक्ट कर लेते हैं पीछ, 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 पीछ। गो गो मिनट जाएंगे। ऋषि की हम बात अभी किए थे इसको वर्ड में समझा देते हैं, शब्द में ये क्या होता है क्या लिखा हुआ है ध्यान से देख लीजिए और इतने छोटे सेंटेंस को इतने छोटे पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन कौंप, में यही मिलेगा आपको क्या लिखा हुआ है वॉट इज प्रेषी एस नहीं पढ़ोगे इसे क्या होता है ये हाँ प्रेसी होता है ध्यान रखिएगा वॉट इज प्रेषी क्वेश्चन इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग सवाल जो आपका होगा जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ होगा वो कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने का क्योंकि तो जो बच्चा समझेगा वही लिख पाएगा इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग सो हेयर इज द डेफिनेशन प्रेसी इज टाइप ऑफ समरी ऑफ एनी काइंड ऑफ राइटिंग यानी प्रेसी जो होता है एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी राइटिंग का क्लियर मामला एनी काइंड ऑफ राइटिंग एज द नेम इम्प्लायज इंप्लाय का मतलब होता है इम्प्लाय करना किसी भी चीज पे प्रेसी इज अ प्रीसाइज प्रीसाइज का मतलब टू द पॉइंट क्या होता है टू द पॉइंट बिल्कुल पॉइंट पे बात करेंगे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे तो प्रेसी इज अ प्रीसाइज एंड टू द पॉइंट पीस ऑफ राइटिंग इवन दो इट इज वेरी शॉर्ट बहुत छोटा होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए और मतलब की बातें होनी चाहिए ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे वहां पे पूरा पैसेज पढ़े आप और उसका शॉर्ट फॉर्म में उस पूरे पैसेज का मैसेज होना चाहिए यह बोला गया है वेरी शॉर्ट इट हैज अ कॉम्प्लिकेटेड आउटलाइन कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है जटिल आउटलाइन का मतलब जो आप एग्जाम्पल वहां पे देंगे यानी पैसेज बड़ा सा है तो बड़ी बड़ी बातें होंगी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसको आपको लिखना है छोटे से राइटिंग में आगे अनलाइक अ समरी प्रेसी फोकस ऑन ऑल द डिटेल्स एंड इवेंट्स यानी उसमें जो भी डिटेल्ड बात की गई है सारा इंफॉर्मेशन देना है आपको कैसे देंगे वो आप जानिए यहां पढ़ाया जाएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक क्रिटिकली वैन राइटिंग अप्रीक्षित क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग जानते हैं आप लोग क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचना नहीं आपने एक वर्ड सुना होगा क्रिटिक्स सुने हैं क्रिटिक्स का मतलब ये होता है आपने अगर बोला जाए क्रिटिकल एबिलिटी है या नहीं है पॉजिटिव चीज है उसको पॉजिटिव देखो नेगेटिव है तो आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे यानी आप जो है अपने ज्ञान से ऊपर की बातें करेंगे चीजें जैसी है वैसे ही आपको देखना है उसको क्या बोला जाएगा क्रिटिकल यानी मान लीजिए ऑथर यहां पे लिखा है करप्शन के बारे में मान लो आपको करप्शन के बारे में प्रेसी लिखना है अब आप वहां पे व्याख्यान करने लगे किसी गवर्नमेंट का आपको मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो आपको वो काम वहां पे नहीं करना अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने इमोशन का इस्तेमाल अपने जज्बात का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है जो पॉइंट बोला गया है उसी में से छांटना है सकता है ऐसा चलिए तो ये हो गया आपका उसके बाद फिर बात कर लेंगे हो गया लेटर आइए तो लेटर कितने टाइप के होते हैं हमने यहां पे ज्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और जहां भी डाउट होगा सवाल कर लीजिएगा अभी ठीक हाँ सर क्वेश्चन टाइप कैसे रहेगा अभी आऊंगा उस पर टेंशन नहीं लीजिए पहले बता दू हर एक चीज टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात यहां पे किए हैं कौन कौन सा लेटर्स होता है देख लीजिए क्या लिखा हुआ है लेटेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ लेटर ब्रॉडली का मतलब विस्तार विस्तार पूर्वक पूर्वक बोलते ना ब्रॉड है है बहुत ही चौड़ा कितने टाइप्स टाइप्स के के होते टू कौन कौन से नेमली फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल फॉर्मल का मतलब क्या होता है फॉर्मल मीनस ऑफिशियल फॉर्मल मीनस जिसको हिंदी में औपचारिक बोलते हैं क्लियर और दूसरा क्या बोला गया है इनफॉर्मल तो इनका मीनिंग होता है नॉट क्या होता है नॉट यानी जो ऑफिशियल नहीं है उसको इनफॉर्मल कहेंगे जैसे मान लीजिए आपको जॉब लेनी है जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ लिखोगे कोई लेटर लिखोगे कैसा लेटर होगा फॉर्मल होगा और अपने मित्र बंधुओं को लिखना है कैसा होगा क्लियर है मामला चलिए बट देन देर आर ऑल्सो अ फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर्स यानी इसके अलावा भी कुछ और टाइप होते हैं लेटर्स के कौन कौन से तो बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेंट्स यानी आपका जो भी कॉन्टेंट है फॉर्मेलिटी जो भी फॉर्मेलिटीज है और द पर्पस ऑफ लेटर कई बार लेटर का पर्पस भी होता है आप क्यों लिख रहे हैं सामने वाले को लिख रहे हो तो उसके बीच का ऑब्जेक्टिव क्या है पर्पस क्या है उद्देश्य क्या है ऑफ लेटर राइटिंग लेट अस हैव अ लुक एट द फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर लुक एट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को देखना तो अलग अलग टाइप है देख लेते हैं पहला क्या दिया हुआ है फॉर्मल का ये डेफिनेशन है अब देखो क्या लिखा हुआ है दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा और वही आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर जो लिखेंगे उसका पैटर्न क्या क्या होगा पहले क्या लिखा जाए उसके बाद क्या लिखा जाए कंक्लूजन क्या होना चाहिए क्लियर आइए सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी दे आर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल प्रोफेशनल क्यों बोला क्योंकि आप ऑफिस की बात कर रहे हैं आप जॉब वगैरह कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हुए मैं यहां पे कैसा टीचर हूं प्रोफेशनल टीचर मेरा काम क्या है पढ़ाना है क्लियर तो वही बोला गया प्रोफेशनल इन नेचर आपको स्वाभाविक रूप से प्रोफेशनल होना इस लेटर में यानी अपने पर्सनल जज्बात आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हंसी मजाक के तौर पर आप लेटर लिख रहे हैं मैम आपकी कोई बॉस है मैम मैम की खूबसूरती का व्याख्यान वहां पे आप नहीं करेंगे सिर्फ काम की बात करेंगे यानी कि मैम आपके बाल जो है बहुत अच्छे हैं मैम हो सकता है गुस्से में आ जाए क्लियर है मामला तो वो बात नहीं करनी है आपको टोटली क्या रहना है प्रोफेशनल रहना है डायरेक्टली एड्रेस डायरेक्ट बात करनी है द इशू यानी पॉइंट पे बात करोगे इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए कंसर्न एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर लेटर और टू फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी यानी किसी भी टाइप का कौन कौन सा बिजनेस लेटर है आपका या किसी ऑथोरिटी को कुछ लिख रहे हो वह इसी कैटेगरी में आएगा फॉर एग्जाम्पल आपको पीएमओ में कुछ लिखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऐसा लेटर होना चाहिए

नहीं होता आप कुछ भी लिख सकते हैं क्लियर है मामला और एडहेयर टू एनी फॉर्मेलिटीज यानी किसी भी फॉर्मेलिटी के साथ जा सकते हो एडहेयर का मतलब होता है कुछ भी चिपका देना यानी कुछ भी आप लिख रहे दे कॉन्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर इंफॉर्मेशन होगा और अ रिटर्न कन्वर्सेशन जो आप बातचीत करते हैं ना बैठ के वो आप शब्दों में लिख के उसको दे देंगे जैसे लव लेटर वगैरह होता है क्लियर है मामला आइए इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटर्न टू फ्रेंड्स एक्वेंटेंस रेलेटिवेंटेंस का मतलब क्या होता है फैमिलियर यानी जिससे आप परिचित हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा अपने दोस्तों को लिख सकते हो एक्वेंटेंस यानी जिससे आप फैमिलियर हो या अपने रेलेटिव को रिश्तेदार को तो अब आप समझ गए ना ऑफिस में लिखना है तो कैसे लिखना है और मित्र बंधुओं को लिखना है तो कैसे लिखना है क्लियर है मामला अब आइए क्या लिखा हुआ है बिजनेस बिज़नेस लेटर भी एक ही टाइप का फॉर्मल ही होता है ना अभी आपने देखा था कहां पे यहां पे देखिए एनी काइंड ऑफ बिजनेस लेटर किसमें आ रहा है फॉर्मल में ही लेकिन एक बार देख लो फिर से दिस लेटर इज रिटन अमंग बिजनेस कोरेस्पोंडेंस जनरली कंटेन्स कमर्शियल इंफॉर्मेशन सच एज कोटेशन ऑर्डर्स कंप्लेंट्स क्लेम्स लेटर्स फॉर कलेक्शन एटिस यानी जब बिजनेस की बात करोगे तो वहां क्या क्या आपको लिखना होता है सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया है कोटेशन डाल दोगे फिर आपको जो ऑर्डर वगैरह करना है वो होगा वहां पे जो शिकायत है मान लीजिए यहां से कोई फैसिलिटी मिल रही है आपको सुविधा मिल रही है ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं और इन्हें कुछ समझ में इंग्लिश में नहीं आए तो ये मैनेजमेंट को शिकायत कर सकते हैं क्लियर है मामला कंप्लेंट क्लेम फॉर कलेक्शन एटसेट्रा और भी बहुत कुछ होंगे इसमें सच लेटर्स सच लेटर्स का मतलब क्या इस टाइप के लेटर्स ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल कैसा होता है फॉर्मल होता है यानी बिजनेस लेटर भी जो आप लिखेंगे वो भी आपका फॉर्मल ही होना चाहिए एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर वही जो लिखा हुआ था कि फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है सर्टेन पैटर्न करता है ना फॉलो फॉर्मल वही बोला गया स्ट्रक्चर एंड पैटर्न और फॉर्मेलिटीज तो एक टाइप का ये भी फॉर्मल ही है आपका उसके बाद आइए क्या लिखा हुआ है सोशल लेटर ये सोशल लेटर क्या होता है पर्सनल लेटर रिटर्न ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट इज नॉन एज अ सोशल लेटर यानी अगर मैं सोशल की बात करूं और आपसे पूछूं ये फॉर्मल है या फिर तो कैसा है इनफॉर्मल है कैसे पता चला इनफॉर्मल है तो इसमें लिखा हुआ है देखिए बंधु कैसे आप पर्सनल पर्सनल चीजों को कहां रखोगे इनफॉर्मल में और प्रोफेशनल को कहां रखोगे फॉर्मल में क्लियर है मामला पर्सनल लेटर रिटर्न ऑन द ओकेजन यानी कोई ओकेजन है फिफ्टींथ अगस्त भाषण दिए हैं दिए हो कि नहीं दिए हो वहां पे आप ज्ञान बांटे हैं किसी ओकेजन पे या किसी की शादी में मान लीजिए अभिनंदन पत्र पढ़ा जाता है ना वो सब मामला तो ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट इज नॉन एज अ सोशल लेटर कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर यानी बधाई दिया जाता है आपकी जॉब लगेगी लोग बधाई देंगे आपको है ना उस टाइप में आएगा कंडोलेंस कंडोलेंस का मतलब क्या होता है सांत्वना देना मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए आप लिखते हैं दो चार लाइन तो वो आपका कंडोलेंस है इन्विटेशन आप किसी को आमंत्रित करते हैं कार्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते तो वो लेटर लेटर आर सोशल सोशल लेटर्स लेकिन सोशल लेटर किसका पार्ट है इनफॉर्मल का और बिजनेस किसका पार्ट है फॉर्मल का पर्सनल चीजें कहां रखोगे इनफॉर्मल में प्रोफेशनल कहां फॉर्मल में अब आइए सर्कुलर लेटर ये सर्कुलर क्या होता है सर्कुलर आप समझ गए होंगे सर्कल गोला आइए यहां पर अ लेटर दैट अनाउंसेस इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अ सर्कुलेटर लेटर मान लीजिए कोई पॉलिसी आई सरकार की सरकार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे एक्सपोज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा आप लोगों के लिए तो वो सर्कुलेटरी होगा यानी कोई मैसेज है और एक मास को मैसेज देना एक भीड़ को मैसेज देना है क्या हो जाएगा वो सर्कोलेटरी द सेम लेटर सर्कुलेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रॉसबॉन्ड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक अ चेंज ऑफ एड्रेस चेंज इन मैनेजमेंट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एट ईसी मान लीजिए आप यहां रह रहे हैं यहां के बाद कहीं और चले गए रहने के लिए तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस बदल जाएगा उसको आप देंगे वहां पर तो क्या हो जाएगा आपका सर्कुलेटरी अब एक बचा आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर एनी लेटर विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस लाइक ज्वाइनिंग लेटर प्रोमोशन लेटर एंड एप्लीकेशन लेटर वो लेटर जो आपका होता है प्रमोशन होता है या एप्लीकेशन लेटर जो होता है इसे आप क्या लिख सकते हैं इंप्लॉयमेंट और ये जनरली इन जनरल जो बात करोगे, ये आपका फॉर्मल ही होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो लेटर का टाइप तो आप जान गए अब कैसे लिखेंगे इसके बारे में बात करेंगे लेटर में कोई डाउट चलिए अब आगे आ जाइए आपका हो गया लेटर हो गया प्रेषी हमने बता दिया हाउ टू राइट एन ऐसे ऐसे को कैसे लिखा जाएगा देखो किसी भी लेख को लिखेंगे तो क्या क्या टर्म आता है क्या क्या पैटर्न आता है वो जान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा है सर आप लोगों को आ रहा है समझ में आपको क्यों नहीं आ रहा है क्या नाम है आपका चंद्रभूषण कुमार सभी क्या रहा है समझ में भाई इंग्लिश है थोड़ा बहुत डर तो होगा ही हटा दो डर को समझ में नहीं आ रही है आ जाएगा बंधु थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा देखो समझ में इसीलिए नहीं आता इंग्लिश क्योंकि तो हम बचपन से ऐसे पढ़े हैं ना ए फोर एपल मीन्स तो कहां से आएगा इतना इतना भारी भरकम इंग्लिश लिखा हुआ है एप्पल मीन्स सेब पढ़े हैं कहां से आएगा समझ में इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ना था लेकिन हमने क्या किया है सेब तो लिखा ही लिखा है है ना तो वो गलती की है आइए यहाँ पे हाउ टू राइट एन ऐसे का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे क्या होता है लेख निबंध क्या होता है लेख या निबंध कैसे लिखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन उसके बाद क्या लिखा हुआ है हाँ बॉडी का मतलब ये हमारा फिजिकल बॉडी नहीं लेटर का बॉडी और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है क्या होता है रिजल्ट जिसको आप निष्कर्ष बोलते हैं तो निष्कर्ष मतलब परिणाम परिणाम कब होगा अंत में होगा बीच में क्या है आपका बॉडी है फिर क्या है इंट्रोडक्शन है परिचय अब देखिए लेटर में गलती क्या होता है कंक्लूजन होना चाहिए बिल्कुल लास्ट में मान लीजिए इस मोबाइल के बारे में बोला गया लिखने के लिए तो सबसे पहले व्हाट इज मोबाइल मोबाइल क्या है ये इंट्रोडक्शन होगा उसमें चार पांच लाइन आप लपेटिएगा फिर फिर बॉडी की बात करेंगे यानी इस मोबाइल का फीचर क्या है फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यूसेज है और फिर इसके कंक्लूजन पे आओगे कि आपके लाइफ पे इसका इंपैक्ट कैसा पड़ा है क्लियर है है मामला तो तो ये होता आइए तो कोई भी लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको अब कैसा होता है बंदो? अगर की बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा देखिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं समझिएगा जनरल टू स्पेसिफिक इसका क्या मतलब होता है जनरल यानी पहले कोई ऐसी बात करोगे जो जनरल है जो सभी को मालूम है और फिर आप थोड़ा सा स्पेशल होते जाएंगे जैसे आप लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस होंगी दीपिका पादुकोण दीपिका है ना पादुकोण ये 2015 में डिप्रेशन में गई थी अगर आप लोगों को मालूम होगा तो है ना डिप्रेशन में गई थी डिप्रेशन में जाने का रीजन ये था उस टाइम ये हॉलीवुड की प्रोजेक्ट कर रही थी वहां पे हॉलीवुड में इसको घंटा वैल्यू नहीं मिल रहा था इंडिया में तो जिधर जाए कैमरा मैन तुरंत आ जाता है दीपिका दीपिका होता है कि नहीं होता है वहां पे कोई नहीं पहचान रहा वो डिप्रेस्ड हो गई इंडिया में जब होती हूं तो रानी की तरह तो पूछा जाता है पूछा जाता है यहाँ पे मेरे को कोई पूछ मतलब मेरी औकात कुछ भी नहीं है डिप्रेस्ड हो गई थी वो क्लियर टू में द हिंदू न्यूज आता है आप लोगों को मालूम होगा ये एक आर्टिकल छापा कि मैक्सिमम 45 टू 50 परसेंट ऐसे लोग हैं जो प्लस लाइफ जीते हैं प्लस लाइफ का मतलब लेविस टॉप लेवल पे जिनके पास काफी पैसा है बड़ी बड़ी घर गाड़ियां हैं घर है हर एक चीज है और इस टाइप के जो प्लस लाइफ जीने वाले लोग हैं उसमें से एट्टी परसेंट लोग डिप्रेस रहते हैं और जो रिक्शा चलाने वाला है जो गरीब तबका का आदमी है वो चैन की नींद लेता है क्लियर है मामला अब इस 80 में और भी लोग होंगे ना लेकिन न्यूज जो छापा सबसे पहले नाम किसका दिया क्यों दिया क्योंकि पब्लिक फिगर है ये पब्लिक फिगर इसको सब जानते हैं जैसे ही दीपिका दिखेगा आप उस आर्टिकल को पढ़ोगे किसी और का नाम देता आप नहीं पढ़ते क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता आप उसको जान ही नहीं रहे तो इंटरेस्ट तब होगा जब उस चीज को जानोगे तो आप जो अब ऐसे लिखेंगे ये एग्जामिनर कब पड़ेगा जब उसका इंटरेस्ट डिवेलप होगा और इंटरेस्ट डिवेलप होने के लिए आपको जनरल टू स्पेसिफिक होना पड़ेगा यानी कुछ ऐसा टर्म लिखना पड़ेगा ताकि उसका इंटरेस्ट जेनरेट हो इसीलिए इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जनरल टू यानी पहले जनरल स्टेटमेंट और जनरल का मतलब होता है कॉमन टू ऑल यानी जो हर एक के लिए कॉमन है यानी विराट के बारे में कुछ छपेगा आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप पढ़ेंगे क्लियर है मामला वही अब आइए इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है द इंट्रोडक्शन मूव फ्रॉम जनरल टू जो अभी बोला हमने दिस इज वेयर यू अब यहां पे टर्म्स दिया हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओपन विद अ शॉर्ट ओरिएंटेशन अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि पचास लाइन में आप इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं इंट्रोडक्शन होना चाहिए चार पांच लाइन में फिर उसमें काम की बातें तो बोला शॉर्ट ओरिएंटेशन शॉर्ट में लिखोगे इंट्रोड्यूस द टॉपिक एरिया यानी जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द बात करनी है इरेलीवेंट टॉक नहीं होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए इधर उधर जाओगे नहीं पढ़ेगा आपका सामने वाला तो इंट्रोड्यूस द टॉपिक एरिया विद अ जनरल ब्रॉड ओपनिंग अब देखिए बात तो आप कम ही करेंगे लेकिन उस बात में मीनिंग होना चाहिए तभी तो सामने वाला पढ़ेगा क्या बोलना चाह रहा है वही बोल रहा है ब्रॉड ओपनिंग ब्रॉड का मतलब क्या होगा बिल्कुल डीपली यानी कम बात में ज्यादा बात कहने की कोशिश आप कर रहे हैं डीपली ओपनिंग सेंटेंस और टू यानी एक से दो लाइन आपको वहां लिखना होता है और वो बिल्कुल डीपली होनी चाहिए कहने का मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है जिस चीज के बारे में बोल रहे हो दो लाइन में ही पूरा का पूरा चीज उसको दिख जाना चाहिए क्लियर आगे क्या बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन विद अ थे स्टेटमेंट एंड अब आंसर तो क्वेश्चन का क्या मतलब आप जब कुछ लिख रहे हैं तो सामने वाला उसको पढ़ रहा है और उसे पढ़ने के बाद सामने वाले के मन में क्वेश्चन भी आएगा कि नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर भी उसी लाइन में उसको मिलना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन आया सेकेंड लाइन में उसका आंसर मिल जाना चाहिए आप कोई नॉवेल चेतन भगत का क्यों पढ़ते हैं क्योंकि उससे आप रिलेट करते हैं जैसे आपके मन में कोई सवाल आएगा नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर वहां पे दिया हुआ है आप हो गए सेटिस्फाइड आगे पढ़ने का मन करेगा यही होता है ना तो वही चीज यहां बोला गया कि आंसर द क्वेश्चन विद थेसेस यानी जो भी आपने बोला है अपने स्टेटमेंट से उसको आप कोरोबोरेट भी करोगे पुष्टि भी करोगे आगे क्या बोला गया प्रोवाइड अ समरी समरी का मतलब वही शॉर्ट नोट है ना फिर तुरंत आप समरी भी डालेंगे रोड मैप तैयार करेंगे क्यों दिया है कैसे हुआ कब हुआ ऑफ योर ऐसे कीप इट ब्रीफ बट मेंशन ऑल द मेन आइडियाज यानी इंट्रोडक्शन में उस ऐसे के बारे में हर एक चीज आपको बता देना है कि आप यहां पर क्या बोलने वाले हैं यहां तो कोई डाउट चलिए इसमें पढ़ा क्या रहे हैं जो आपको डाउट होगा अब क्या लिखा हुआ है बॉडी का मतलब क्या होता है ये होता है middle line. कौन सा लाइन अब मिडल लाइन में क्या क्या होगा ध्यान देना डाउनलोड रिकॉर्डर क्लास मिलेगा ना बिल्कुल मिल जाएगा लेकिन अभी लाइव चल रहा है लाइव देख लो आइए यहां पे क्या बोला गया बॉडी ऑफ योर ऐसे

आंसर द क्वेश्चन बाय डिवेलपिंग डिस्कशन यानी आप जो वहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए आंसर का मतलब यहां पे क्या है कि सामने वाला ऐसा तो नहीं है कि आप लिखेंगे और आपसे घर पे पूछने आएगा भाई क्या लिखा हुआ था बढ़ के ही समझेगा ना वहां पे। तो उसका आंसर भी उसको मिलना चाहिए और आंसर कब मिलेगा जब आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ यहां पर कैटरीना इज वेरी सल्ट्री कैटरीना इज वेरी सेल्ट्री कितने को समझ में आया सेल्ट्री वर्ड का क्या मीनिंग होता है ऑनलाइन वाली समझते हैं तो बताइए क्या होता है सेल्ट्री का मीनिंग बात पल्ले नहीं पड़ी यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं कैटरीना इज वेरी हॉट अब समझ में आया कि नहीं आया बोलो आया कि नहीं आया आया तो ये हॉट एक जनरल वर्ड है सल्ट्री थोड़ा सा ऊपर लेवल का वर्ड हो गया तो बात वो बोलनी है जो सामने वाले के समझ में आया आप बोल दिए सामने वाले के समझ में ही नहीं आ रहा सुनेगा आपको मतलब कुछ लोग ऐसे होते भारी भरकम वर्ड बोलेंगे ताकि सामने वाले को लगे मैं बहुत कुछ जानता चल देगा उठ के क्योंकि तो उसके समझ में तो बात करने का मतलब होता है एकदम साधारण तौर पे आप बात करें है ना जैसे टीचर लोग जो है जिसका टोन बहुत अच्छा होता है क्यों बच्चा से रिलेट कर लेता है क्योंकि तो उसको मालूम है सामने वाला ऑडियंस कैसा है कैसे रिलेट करना है कैसे कनेक्ट करना है क्लियर है मामला वही बोला गया आपको यहां आंसर की बात जो है यानी आपका लैंग्वेज जो होना चाहिए उसकी जो शब्दावली होनी चाहिए वो बिल्कुल ही सिंपल होनी चाहिए वही बोला गया आंसर द क्वेश्चन बाय डेवलपिंग डिस्कशन आगे सो योर नॉलेज अब ज्ञान को भी दिखाना है इसका मतलब यह है कि सिंपल में राम लाइक्स सीता ऐसे नहीं करना है राज लाइक सिमरन वो वाला एग्जाम्पल नहीं चलेगा यहां पे थोड़ा तो दिखाना भी है ना सिविल कोर्ट में जॉब करोगे ना वो दिखाना भी है नॉलेज भी आपके पास है तो सो योर नॉलेज एंड ग्रैस्प मेटेरियल ग्रैस्प का मतलब होता है कैच करना यू हैव रीड यानी आपके पास जो भी ज्ञान है वहां पे अच्छे से रेलेवेंट तौर तरीके से अप्लाई करना होता है आगे क्या लिखा हुआ है ऑफर एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन का क्या मतलब होगा एक्सपोज करना समझते हैं ना उजागर करना यानी आपने जो भी ऐसे लिखा है उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करोगे एक्सपोज करोगे ताकि सामने वाला देखे जाने समझे टू डिवेलप योर आर्ग्यूमेंट आप जो आर्गूमेंट वहां दे रहे हैं भाषा के माध्यम से आप ही का विचार है ना जो आप लिख रहे हो वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए उसके बाद यूज रेलिवेंट एग्जाम्पल रेलिवेंट का मतलब क्या होता है प्रॉपर यानी ऐसा एग्जाम्पल दोगे जो उस टॉपिक से मैच करता हो कुछ भी नहीं दे दोगे क्लियर एंड ऑथोरिटीज कोर्ट्स ये मामला है आपके बॉडी का <laughs> तो इंट्रोडक्शन हो गया जनरल टू स्पेसिफिक फिर बॉडी में देखे आप और लास्ट में क्या होगा कंक्लूजन का मतलब अब आएंगे आप रिजल्ट पे। रिजल्ट में क्या क्या है द कंक्लूजन मूव फ्रॉम जनरल इंट्रोडक्शन जनरल स्पेसिफिक और ये आपका conclusion? हाँ। अब वहां पे इंट्रोडक्शन में क्या था कि भाई साहब नीचे से ऊपर गए थे अब यहां ऊपर से क्यों कि ये जो बात आपने बोली है अब इस बात को आप प्रूव कर रहे तो दोनों को मैच कराने के लिए जो यहां है यहां से आपको यहां आना पड़ेगा और सब इक्वल होना चाहिए यानी जो भी बात आपने बोला है जो भी रिजल्ट आपने दिया है जो भी एग्जाम्पल वहां पर पुट फॉरवर्ड आपने किया है वह सब रैले आइए एस्टेट योर आंसर टू द क्वेश्चन यानी जो सवाल आपने ऊपर किया है उसी को री करना है फिर से लिखना है री रिसमराइजेज यानी ऐसा नहीं कि हु बहु लिख देना है वैसा ही सेम टू सेम नहीं लिखना है लैंग्वेज बदल के लिखना है एंड द मेन पॉइंट्स एंड उसके बाद इंक्लूड अ फाइनल ब्रॉड स्टेटमेंट और लास्ट में जो लाइन लिखोगे रिजल्ट के तौर पे वह बिल्कुल ही ब्रॉड होना चाहिए यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए डीपली होना चाहिए अबाउट पॉसिबल इंप्लीकेशन फ्यूचर डायरेक्शन फॉर रिसर्च क्वालिटी एंड कंक्लूजन जिस भी टाइप का आपका होगा यहां तक तो कोई डाउट लेटर ये टाइप बताया है कल से बताएंगे कैसे लिखा जाएगा अब आइए यहां पे तो इसमें कुछ नहीं है नहीं है शुरुआत कहाँ से करें बताइए वो कैब बता दूं या सीधा समरी करवाऊँ कहाँ से करूं आप जो बोलोगे वही करवाएंगे समरी करवा दें लेटर से करवा दें अब देखिए आप लेटर की बात करो या प्रेषी की बात करो या कॉम्प्रीहेंशन की बात करो सब में एक चीज कॉमन है कि वर्ड आएगा और वर्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्लियर है मामला शब्द रहेगा तभी तो समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा जैसे अभी मैंने सिंपल वर्ड लिखा था सल्टरी पल्ले पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था वर्ड आपके समझ में आना चाहिए अब आइए यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है अभी आप लोगों को मालूम है कुछ दिन पहले करपुरी ठाकुर जी जो है उनको भारत रत्न मिलेगा मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है ये एक आपका पैसेज है मान लो ये दिखा हुआ है ऑनर एंड एक्सेप्शन ऑन द भारत रत्न एंड इट्स रिसिपियंट रिसिपियंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है रिसीवर प्राप्त करने वाला तो यही सब वर्ड आपको आना चाहिए मान लो रिसिपियंट सिनोनिमस में पूछ देगा और मीनिंग आपको मालूम नहीं है तो गलती करके आएंगे आप उसके बाद ये पैसेज आपका है ये पैसेज है ये पैसेज है और उसका ये समरी है इसी को हम प्रेसी बोलते हैं यानी वो तीन चार स्लाइड जो आप देखे उसको एक ही स्लाइड में आप मेंशन किया गया है क्लियर पढ़ा दें इसे पढ़ा दूं कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले बोल नहीं रहा आराम से बैठ के चाय वो पी रहा होगा हाँ चाय वो पी रहा होगा देख रहा होगा जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना नहीं लेटर कल अभी टाइप बताए ना अभी लेटर करवाऊंगा आप इरिटेट हो जाओगे खुद मुझे मालूम है कैसे पढ़ाना इंटरेस्ट कैसे आपका जनरेट होना चाहिए लेटर पढ़ाएंगे आपको लगेगा आइए इधर क्योंकि तो इतना सुनने के बाद ही आपका दिमाग खराब हो गया आप इरिटेट होने लगे आइए इंग्लिश है ना हिंदी नहीं है या मैथ्स नहीं है इंग्लिश से सभी को लगता है डर ग्रामर सब पढ़ लेगा नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव आर्टिकल डिग्री फिर बोलेंगे पैसेज पढ़ो नहीं सर नहीं होता है हो जाएगा ये पैसेज उतना ही टफ है जितना शादी के बाद वाइफ को मैनेज करना टफ होगा आपके लिए आप लोगों के लिए बोल रहा हूं आप लोग तो बहुत आसानी से कर लेंगे आइए क्या लिखा हुआ ऑनर ऑनर का मतलब क्या होता है बंधु रिस्पेक्ट और मैं यहां पे वर्ड लिखते जाऊंगा ताकि आपका वो क्या बढ़ता बढ़ता जाए रिस्पेक्ट बोलो या फिर रिगार्ड बोलो सम्मान होता है और इसी के लिए एक वर्ड और आता है और ये बोर्ड पीडीएफ है ये आपको चले जाएगा टेलीग्राम चैनल पे तो एडोर बोलोगे रिगार्ड बोलोगे रिस्पेक्ट बोलोगे क्या मीनिंग होता है सम्मान करना और इसी से आपका एक वर्ड बनता है एडोरेबल और आप इस्तेमाल करते हैं मा एडोरेबल पेरेंट्स मेरे पूजनीय माता पिता तो पूजनीय कब बोला जब सम्मान आपने दिया यहीं से वर्ड बनता है अडोर याद रखना रिगार्ड याद रखना रिस्पेक्ट याद रहेगा ही ऑनर आप जानते ही हैं एन एक्सेप्शन तो जानते ही होंगे जो एग्जाम्पल से बाहर की बात है जो अपवाद है ऑन द भारत रत्न एंड इट्स का मतलब क्या होता है Receiver प्राप्त करने वाला। ऑनर ऑफ द कंट्री तो सबसे पहले यहां पे एक वर्ड को सिलेक्ट करना है जो इसका मेन पॉइंट है तो सबसे पहला है हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है सबसे बड़ा सम्मान है इस लाइन से मिल गया यह वाली बात हैज बिन कन्फर्ड कन्फर का मतलब होता है देना ग्रांट करना कन्फर करना गिव करना देना ग्रांटेड ऑन फिफ्टी पीपल सिंस 1954 फिफ्टी फोर यानी पचास लोगों को दिया जा चुका है कब से ये पढ़ते पढ़ते ये पढ़ते पढ़ते, पढ़ते आपके माइंड में रहना चाहिए कब से स्टार्ट हुआ कितने लोगों को कैसा ऑनर है क्योंकि जब ये मैसेज आपके पास होगा तभी समरी आप लिख पाओगे मामला इसलिए स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लीडर आडवाणी जानते होंगे आप आडवाणी आडवाणी एंड द लेट लेट मतलब स्वर्गीय सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी जो हमारे बिहार के हैं कर्पूरी ठाकुर आर द न्यूएस्ट रेसिपियंट यानी इन लोगों को अभी अभी मिलेगा न्यू का मतलब क्या होता है नया द मेकिंग ऑफ नेशनल हीरोज इज इक्वली अबाउट द इट इज अबाउट इट्स फंक्शन एज अ अस्टिट ऑफ अ कलेक्टिव इसका मतलब क्या हुआ वर्ड सुने होंगे उत्प्रेरक का काम करता है जब कोई इंसान कोई काम करेगा उसका अवार्ड उसे दिया जाएगा तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा आप देखते होंगे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है क्यों तो मिलता है इंसेंटिवाइज करने के लिए मोटिवेट करने के लिए तो वही बोला गया है यहां पे मेकिंग ऑफ नेशनल हीरो जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं इज इक्वली अबाउट द रिसिपियट और जो रेसिपियंट मतलब इट इज अबाउट इट्स फंक्शन इनका कर्म है जो इनको मिलता है एज अ एस्टिमुलेट ऑफ अ कलेक्टिव कॉन्सियसनेस यानी कलेक्टिव का मतलब ये अपने पूरी जिंदगी में जो भी किए हैं उसी का सम्मान इन्हें दिया जाता है इट इज ऑफन द कलेक्टिव दैट नीट्स हीरो प्लेसिंग लीडर्स लीडर्स ऑन अ हायर पेडस्टल पेडस्टल का मतलब क्या होता है पायदान बोलते हैं और ये हायर अपने जीवन के टॉप पे द ग्रुप 6 टू रीइंफोर्स आइडियल रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है री का मतलब होता है अगेन आप रिव्यू समझते हैं ना री मतलब अगेन व्यू मतलब देखना इन का मतलब होता है इनसाइड जैसे हम बोल सकते हैं वी ऑल आर इन द क्लास हम सभी क्लास के अंदर हैं और फोर्स का मतलब क्या होता है पावर यानी कि शक्ति तो इन फोर्स का मतलब हो गया जो अंदर से पूरा शक्ति साली है और री का मतलब क्या हो गया अगेन यानी आप एक वर्ड सुनते होंगे रिवाइटल तो री मतलब अगेन वाइटल का मतलब एनर्जी रिवाइटल खाइए फिर से एनर्जेटिक हो जाइए ये मीनिंग होता है तो री का मीनिंग क्या हो गया अगेन हो गया इनका मीनिंग क्या है इन है और फोर्स का मीनिंग क्या होता है पावर यानी आपने उस चीज को फिर से क्या किया है किया है उसमें जान डालने का काम किया है तो जैसे ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा या जैसे अनाउंसमेंट हुआ हम बिहारवासी बहुत खुश होंगे क्योंकि बेनिफिट किसको मिलेगा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि सरकार इनकी है तो वोट जाएगा डायरेक्ट कि नहीं जाएगा तो री का सेंस वहां पे डायरेक्ट बीजेपी को मिलेगा और ये आइडियल्स के तौर पे जो हमारे आदर्श होते हैं और उनके जो मानने वाले हैं उनके कदमों पे जो चलने वाले हैं वो खुश होंगे क्लियर है मामला आइए रिप्रेजेंटेड बाय दैम मिस्टर आडवाणी हैज बीन अ डिफाइनिंग फिगर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब यहां पे डिफाइनिंग का मतलब परिभाषा नहीं होगा डिफाइन मतलब परिभाषा होता है डेफिनेशन बोलते हो डिफाइनिंग का मतलब यहां पे होगा शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लियर तो मिस्टर आडवाणी हैज बीन अ डिफाइनिंग फिगर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज ही रेमिनिस्ट रेमिनिस्ट का मतलब होता है याद करना क्या करना रिमाइंड करना ही ज्वाइन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप जानते होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही ज्वाइन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट द एज ऑफ फोर्टीन ही रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैज बीन द बिगेस्ट बाय एनी सिंगल लीडर बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही आसान शब्दों में है समझ रहे होंगे समझ रहे हैं ना डाउट भी है किसी को चलिए ही हैज बीन अटोर मेंटोर कौन होता है जो गाइड करता है ही हैज बीन अ मेंटोर टू मिस्टर मोदी

स्टिट्यूशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द क्लेम मैटर्स ऑफ फेथ कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू लिटिगेशन लिटिगेशन का मतलब होता है केस या मुकदमा मैं यहां पे केस लिख देता हूं ताकि आपको बोर्ड पीडीएफ मिले तो याद रहे लिटिगेट का मतलब अब केस का मतलब कारक मत पढ़ लेना है ना ध्यान रहे तो लिटिगेशन बोला एच इट हैपेंस विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसर्जन एसर्जन का मतलब क्या होता है टू से समथिंग टू से समथिंग जब आप दृढ़ होके कुछ कहते हैं ना उसी को हम बोलते हैं करना और यहीं से एक सेंटेंस नहीं तो ना है असाधारण एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब और, और पॉपुलर सॉवरिटी सॉवरिटी का मतलब निशानी है ना जैसे क्या बोला गया राम हमारे पूर्वज हैं ऐसा दर अब देखिए राम की बात कर लिया द राम जन्मभूमि मूवमेंट ज द कंट्री एट सेवरल लेवल यानी देश के विचार को बिल्कुल बदल दिया अलग अलग पॉइंट पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाई ट्वेंटीमसली रूल्ड इन फेवर ऑफ द टेम्पल दैट वॉज इन ऑगोरेटेड बाई मिस्टर मोदी ऑन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी क्या मतलब हुआ? Unanimous word का meaning क्या होता है एक मत यूनिटी वेरी गुड यानी सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं ना पैनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है पांच जज बैठे होंगे पांचों पर अपन, अपने में सहमत हुए होंगे तब जाके बोला होगा ग्राम मंदिर यही बनेगा क्लियर है मामला तो यूनानिमसली रूल्ड इन फेवर ऑफ द दैट टेम्पलटेड क्या होता है उद्घाटन समारोह क्या होता है हाँ भाई किसके द्वारा मोदी जी के द्वारा कब भैया जनवरी ट्वेंटी टू को हुआ चलिए ऑनलाइन वाले हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे डाउनलोड रिकॉर्डर तो पहले का है आगे बढ़े इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं मालूम मालूम ही होना चाहिए नहीं मालूम होगा गूगल से आप देख लेंगे क्योंकि तो टाइम आपके पास बहुत कम है अब यहां पर क्या इस्तेमाल है किसके लिए कर्पूरी के लिए आडवाणी होता किसके लिए लाल कृष्ण मोदी लिखा होता नरेंद्र तीन ही टर्म्स तो चल रहे हैं यहां पर वॉज अ सेंट्रल फिगर इन सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं क्या समाजवादी है ना सोशल जस्टिस अजम द डिमांड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट यानी हमारे यहां कास्ट का पॉलिटिक्स चलता ही चलता है यानी जिस भी कास्ट वैसे जो महापुरुष होते हैं उनका कोई भी जाति धर्म नहीं होता है लेकिन ये जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे और जैसे ही भारत रत्न इन्हें मिलेगा तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्यों क्यों मिलेगा क्योंकि भारत रत्न दिया गया वही बोला गया इंटरमीडिएट कास्ट ऑफ बिहार एंड द यस यस आइए और बिहार एंड द लार्जेस्ट लार्जर हिंदी बेल्ट हिंदी बेल्ट का क्या मतलब जहां पे हिंदी बोली जाती है यूपी बिहार राजस्थान है ना ये हिंदी बेल्ट का, कहा जाता है वो चैलेंज द कांग्रेस हेजेमनी हेजेमनी का मतलब क्या होता है डोमिनेंस देखिए आप हिंदी बोल रहे हैं बात बिल्कुल सही है लेकिन हिंदी एग्जाम में नहीं आएगा ना आप जब मैथ का पेपर देंगे रीजनिंग देंगे तो बायल क्वेश्चन होगा बाय मतलब टू लिंग्वल मतलब लैंग्वेज दो भाषा में होगा इंग्लिश होगा अब वहां पे हैजे मनी होगा आप ढूंढिएगा किधर लिखा हुआ है अधिकार तो अधिकार नहीं मिलेगा उधर उधर क्या मिलेगा डोमिनेंस और डोमिनेंस कहां से आता है बोलते हैं ना डोमिनेट कर रहा है मेरे को है ना हा भी हो रहा है मेरे पे ये सब सुनने को मिलता है तो ये जो कर्पूरी ठाकुर जी थे ये किसको चैलेंज किए थे कांग्रेस को और कांग्रेस का उस समय डोमिनेंस रहा होगा सरकार रही होगी तब जाके किए होंगे ही सर्वड टू टर्म्स ही किसके लिए है ठाकुर जी के लिए है सब्ड टू टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन नाइनटीन यानी सत्तर से अस्सी के बीच में दो बार वो मुख्यमंत्री रहे सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स वेंट थ्रू फेजेज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सोशल जस्टिस का मतलब होता है सेल्फ यानी समाज का निर्माण जब करोगे तो समाज का निर्माण करने से पहले खुद का निर्माण करना होगा क्योंकि आपसे ही समाज का निर्माण होगा सेल्फ डिस्कवरी एंड एस्टेड इन टू नोमेरस उधर छिप रहा है पता नहीं क्या है ओवर द इर्स न एस्ट्रेंड इज क्लोजली अलाइंट विदीजेपी अलाइन विद का मतलब क्या होता है साथ चले जाना अब ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया ये सब समझना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप पैसेज नहीं समझेंगे समरी आप अब ये क्या हुआ नीतीश कुमार जो भी बीजेपी में गए हैं उनका जो कहना था जब उनसे पूछा गया कि आप कभी इधर कभी उधर चले जाते एक जगह रहिए तो बोले नहीं नहीं कर्पूरी ठाकुर जी जो है हमारे पूर्वज हैं समाज को साथ लेके चले हैं सोशलिस्ट हैं और उनको वो भारत रत्न का अवार्ड दी इससे हम बहुत खुश हैं इसलिए हम मोदी जी के साथ जाना चाह रहे हैं रीजन तो कुछ और होगा है कि नहीं है लेकिन वही बोला गया अलाइंट बीजेपी बोला अब की बार नहीं जाएंगे इधर उधर फिर देखिए कब आते हैं स्टिल अपोज टू इट है ना अब देखिए जैसे नीतीश कुमार गए उधर तो आपने एक रील्स देखा होगा तेजस्वी तो यादव पूछ रहे हैं जाना ही था बता देते रील्स देखे हैं कि नहीं देखे है? बता ही देते अरे हमें कोई गम नहीं है आप जाइए जहां जाना है जाइए लेकिन आपके साथ जो समय हमने बिताया है याद रखा जाएगा बोला गया था कि नहीं बोला गया था तो वही बोला गया कि भाई साहब अपोज भी हुआ बट द बीजेपी ओज इट्स करेंट स्ट्रेंथ कंसिडरेबली टू तो इंटरमीडिएट कास्ट लेकिन वही है कास्ट का पॉलिटिक्स चलता है जैसे नीतीश जी गए बीजेपी के साथ तो जिस भी कास्ट को वो लीड करते हैं बुरा नहीं मानना है किसी को लेकिन हमारे यहाँ कास्ट पे चलता है रिलीजन पे चलता है वो चीज तो जिस भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट अब किसको मिलेगा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि तो सरकार उसी को बनानी है सेंट्रल में दैट प्रोसेस इज बिगिन फिर से उस गठबंधन को क्या किया गया मजबूत किया गया अगेन इन फोर्स पावर बाय ऑनरिंग ठाकुर ठाकुर जी का सम्मान करते हुए इन ट्वेंटी फिफ्टीन ए बी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द बीजेपी एंड द मदन मोहन मालवीय द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वर्कर्ट का मतलब प्रदान करना देना द भारत रत्न ये आपको मालूम होगा दिया गया था इन 2019 नाइनटीन प्रणब मुखर्जी आपको मालूम है ये वित्त मंत्री भी रहे हैं राष्ट्रपति भी रहे हैं प्रणब मुखर्जी भूपेंद्र कुमार हजारिका एंड नानाजी देशमुख वर क्या होता है रिसिपियंट का मीनिंग रिसीवर आप क्लास में आर्टिकल जो भी पढ़ाऊंगा मैं सात आठ दिन उसमें वर्ड आपको याद कर लेना है रिसिपियंट ऑल दिस से पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेजेंट एंड हिस्ट्री ऑफ दिन जो भी भारत रत्न का रहा है। अच्छा, मैं चाहूंगा सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गुड सचिन तेंदुलकर कदम मिला था हाँ जब वो सन्यास लिए थे आई थिंक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुने कजगम साउथ इंडिया का नाम है फाउंडर एम जी रामचंद्रन एंड बी आर अंबेडकर वर आल्सो कन्फर्ड द अवार्ड इन द होप दैट वर फॉलोअर्स वुड इन टर्न बैक द पार्टी और अलायंस रूलिंग ऑफ द सेंटर यानी ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए मिस्टर आडवाणी एंड ठाकुर रिप्रेजेंट द टू लेक्स ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स आडवाणी और ठाकुर के बारे में बात कर रिप्रेजेंट है टू लेक्स ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स नेमली हिंदू कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है सॉलिड करना है किसी भी चीज को मजबूत करना है ना कंसोलिडेशन वैसे कौन का मीनिंग होता है टुगेदर क्या होता है आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच अगर पढ़े होंगे तो उसमें एक टर्म होता है कंजंक्शन का मतलब साथ आना कौन का मतलब टुगेदर जब किसी भी चीज को कनेक्ट कर दोगे कंजंक्शन कहलाएगा तो वही लिखा हुआ है कौन का मीन्स टुगेदर और यहां पर सॉलिड दिया हुआ है ना तो कंसोलिडेशन यानी उस चीज को और मजबूत करना एंड हायर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट कास्ट बार बार कास्ट का जिक्र किया जा रहा है यहां पर इन ऑल फिल्स हर एक फिल्स में अब आइए क्या लिखा हुआ है समरी देखो आप यहां पे कितने पैसेज पढ़े छह पढ़े सॉरी चार पांच पढ़े और उसके बाद आपका ये समरी लिखा हुआ है समरी में क्या क्या लिखा हुआ शॉर्ट में यही आपको एग्जाम में लिखना है देखिए क्या लिखा हुआ है द भारत रत्न इंडियाज हाइएस्ट जो मैंने बोला था कि ध्यान दो इंडियाज सिविलियन ऑनर हैज बिन अवार्डेड टू फिफ्टी इंडिविजुअल सिंस यानी पहला जो वो लाइन था उसको चिपका दिया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था तो आपको यही फाइंड करना है कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे है जो आपको लिखना है और अलग से कुछ नहीं लिखना है जो पैसेज में होगा वही लिखना है आगे क्या बोला गया विद रिसेंट रेसिपियंट इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर एल के आडवाणी एंड सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर क्लियर है मामला दिस ऑनर ट इंडिविजुअल कौन सा वर्ड इस्तेमाल है एलिवेट वर्ड वहां पर नहीं मिला कहीं मिला था क्या एलिवेट का मतलब होता है उत्थान करना क्या करना उत्थान उठाना किसी भी चीज को तो वही बोला गया है कि एल के आडवाणी एंड सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर दिस ऑनर सब्स टू एलिवेट इंडिविजुअल्स यानी ये इन दोनों लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम क्या है एलिवेट करने वैसे आप एलिवेटर समझते हैं ना ऊपर जाना नेशनल हीरो स्टेटस री एनफोर्सिंग कलेक्टिव आइडियल्स कलेक्टिव आइडियल्स का मतलब आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श कलेक्टिव जो भी उन्होंने किया अपनी जिंदगी में कलेक्टिव फॉर्म में कलेक्टिव आइडियल्स एंड कॉन्शियसनेस कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होगा अवेयरनेस अवेयर Aware, बोलते ना कॉन्सियस यानी कि चेतन मन से है ना अंदर से आप जगे हुए हैं अंदर से जगना बहुत जरूरी है आइए आडवाणी पिबिटल फिगर पिबल वर्ड का इस्तेमाल था क्या नहीं था डिफाइनिंग वर्ड था वहां पे डिफाइनिंग वर्ड था तो फ्यूबल का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट वाइटल वेरी गुड और कुछ जानते हो बता दो सिग्निफिकेंट और बोलो प्रोमिनेंट और बोलो इमिनेंट इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध ये जो इमिनेंट वर्ड आप बोल रहे हैं इमिनेंट का मतलब होता है फेमस है ना ध्यान रखिएगा आइए तो इतने सारे वर्ड्स को याद रखना पिबल पाइबोटल नहीं पढ़ना क्या पढ़ोगे पिबल वाइटल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एंड प्रोमिनेंट एक वर्ड और होता है मैं लिखी दू ड्रास्टिक ताकि जितना वर्ड हो सके आप लेके जाए यहां से क्या नहीं इनडिस्पेंसीबल इन, होता है जिस चीज की जरूरत ही नहीं है है ना अनिवार्य जिसकी खत्म हो जाए तो ड्रास्टिक वर्ड आया डिस्पेंसिबल से एक वर्ड बहुत अच्छा याद आ रहा है याद आएगा तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे आइए यहाँ पे तो क्या बोला गया कलेक्टिव आइडियल्स एंड कॉन्सियस आडवाणी पिविटल फिगर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी बड़ी रोल प्ले किए प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड मेंटोरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हो शॉर्ट में कैसे लिखा जा रहा है एक भी मैसेज को छोड़ा गया है क्या बिल्कुल भी नहीं आपको ऐसे ही लिखना है ठाकुर नोन के एन नोन वहां पे लिखा हुआ है न्यू लिखा हुआ है फॉर हीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स आडवाणी जी को जाना जाता है कि प्रधानमंत्री के वो मेंटोर रहे हैं या हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है उसको बढ़ाने का काम किए हैं या प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन हिस्ट्री रही है उसकी उसके लिए जाना जाएगा लेकिन ठाकुर जी किसके लिए सोशल जस्टिस फॉर पॉलिटिक्स चैलेंज कांग्रेस हैजे मनी हैजे मनी का मीनिंग क्या बताया था डोमिनेस जिसको आप हिंदी में प्रभुत्व बोलते हैं एजनी एंड एडवोकेट एडवोकेट का क्या मीनिंग होता है सपोर्ट करना एक तो आप लॉयर सुनते ही हैं वो नाउन हो जाएगा और अगर वो अब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सपोर्ट करना तो एडवोकेट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट द सेलेक्शन ऑफ भारत यही है ना रिफ्लेक्स करेंट पॉलिटिकल डायनामिक डायनामिक का मतलब डायनामिक का मतलब जिसमें मोशन हो जो रुके जैसे बोला जाएगा लाइफ शुड बी डायनामिक जिंदगी जो है डायनामिक होनी चाहिए है ना जी एकदम भागते दौड़ते यानी कि बैठे हुए कहीं पे हाँ अलाइनिंग विद द भारतीय रत्न अलाइनिंग विद आगे और है क्या इधर है और इस पे क्वेश्चन भी है घबराना नहीं है अलाइन विद द बीजेपी फिर बीजेपी अलाइन का इस्तेमाल क्यों किया नीतीश कुमार जी साथ में आए हैं बोलते ना अलायंस में सरकार चल रही है गठबंधन की सरकार है बीजेपी स्ट्रेटेजीज ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन एंड अपीलिंग टू इंटरमीडिएट कास्ट मतलब बीजेपी का है कि हिंदू तो अकेले तो हम जाने ही जाते हैं धर्म के नाम पे वोट हमें मिल ही जाएगा और हाल ही में राम मंदिर भी बनवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाद बाकी जो हमसे छूट रहा था कर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पर्पस होगा ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है है ना ये आर्टिकल का ऐसा कहना है ऐसा नहीं कि बीजेपी का कहना है क्लियर ये ध्यान रखिएगा नहीं जो भी है अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना मैंने पहले ही बोला था अपना जो आत्मज्ञान है स्वज्ञान है उसका अप्लाई वहां पे नहीं करना ऐसा नहीं लिख के चले आना है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसे बिल्कुल नहीं जो है वही लिखना है अपीलिंग टू इंटरमीडिएट कास्ट ग्रुप बोला इधर तो हम है ही है उधर नीतीश जी संभाल लेंगे साढ़े तीन सौ ले आएंगे फिर से प्रधानमंत्री वगैरह बन जाएंगे और अमित शाह तुम पीओ के इस बार ले आना यही सब होता है मोटो आइए इधर क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन क्यों दिए हैं सिलेबस समझाए थे कॉम्प्रिहेंशन होगा शन का क्या मतलब पैसेज पढ़ोगे क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा तो हमने कम टाइम था आपके लिए इसीलिए सोचा कि उसी पैसेज का प्रेसी भी करवा दिया जाए साथ में वो भी काम हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्वेश्चन में हमने वर्ड वगैरह भी दिया है ताकि आपका वो कैप भी हो जाए और अलग से भी वो कैब पढ़ा देंगे तरीका ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड क्या क्या मीनिंग बताए थे रिस्पेक्ट रिगार्ड ऑर्डर एडोर सॉरी ऑर्डर नहीं एडोर क्लियर अब यहां ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए सही डिसग्रेस है रिस्पेक्ट है गिवर है और इग्नोरेंस है आइए समझाता हूं इसको समझाना पड़ेगा देखिए डिस किसी भी वर्ड के पहले आएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा नॉट जैसे आप बोलते हैं ना क्वालीफाई और फिर क्या बोलते हो डिसक्वालीफाई यानी क्वालीफाई नहीं किया ग्रेस का मीनिंग क्या होता है ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटी ग्रेस का मीनिंग क्या होता है ब्यूटी जैसे बोला जाता है फेमिनिन ग्रेस मर्द लोग को सुंदर नहीं बोला जाता है जब भी किसी ऑथर किसी राइटर को आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको कोई भी शायर तो सुंदरता की बात जब भी करता है वो लेडीज के लिए करेगा गर्ल्स के लिए करेगा मर्द की सुंदरता की तारीफ आप कहीं भी नहीं सुनेंगे गाना वगैरह भी बनता है तो यही लिखा होता है सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या ऐसा बोला गया सागर जैसी आंखों वाला मतलब हम जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर टोटली मैस्किन होते हैं क्लियर है मामला हाँ। आइए इसलिए बात नहीं की जाती है क्योंकि होते ही नहीं है चलो तो आ जाओ फेमिन ग्रेस यानी कि फेमिन ब्यूटी की बात करेंगे तो डिसग्रेस का क्या मतलब इधर ध्यान दो डिसग्रेस वर्ड का क्या मतलब जो ब्यूटी नहीं है और यहां पर क्या बोला गया ऑनर ना ऑनर का मतलब सम्मान ये सिनोनिमस वर्ड नहीं होगा रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है ऑनर मीन सम्मान तो यही आपका आंसर गिवर मतलब क्या होगा देने वाला one who gives, जो कुछ देने का काम करता है और इग्नोरेंस क्या होता है अज्ञानता जिसको बोलते इलिटरेट एल आई टी आर ए टी लिटरेट लिखा जो पढ़ा लिखा है और इसके पहले आप प्रिफिक्स कनेक्ट कर दीजिए आई एल इलिटरेट जैसे आप बोलते हैं ना लॉजिकल फिर क्या बोलते हो लॉजिकल तो आई एल अगर पहले आ गया तो मीनिंग क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो गया और यहां से आप पांच वर्ड सीखिए एक बार रिपीट कर दीजिए मेरे साथ ऑनर मीन्स क्या रिस्... रिस्... रिस्पेक्ट हिंदी के क्लास में नहीं है ना शुक्ला सर आएंगे तब बोलिएगा सम्मान मान मर्यादा प्रतिष्ठा तात्पर्य यहां मत बोलिए है कि नहीं है और भी हिंदी बोल सकता हूं चलिए Disgrace, बोलो बोलो कम है आपके पास ग्रेस का मतलब यानी जो सुंदर नहीं है रिस्पेक्ट मीनस सम्मान रिस्पेक्ट रिगार्ड एडोर गिवर मतलब देने वाला है ना जो काम कुछ देने वाला है गिवर है आपका और जो लेने वाला होता है उसको टेकर बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं है ना इग्नोरेंस मतलब इलिटरेट जो पढ़ा लिखा जो उसको अनएजुकेटेड बोलेंगे या इसी को हम बोल सकते हैं अनट्यूटेड ट्यूटर -E समझते हो ना टीचर को बोला जाता है और अन के पहले लग गया तो क्या हो गया मीनिंग नॉट जैसे आप बोलते अन मामला आइए रेडी सर बिल्कुल रेडी रहिए हार दीजिए बिल्कुल कैसे लिखता है सर लेटर से स्टार्ट कीजिए एबीसीडी से सात मिनट लगेगा हाँ गुरु जी हाँ गुरु जी को लिखा है हार दीजिए आग लगा दीजिए आइए इधर ये सब अब कॉमन स्लैंग हो गया ना बोलने के लिए वट इज मतलब क्या होता है विप्रार्थक शब्द क्या लिखा हुआ है यानी रिसीवर यानी रिसीवर का एंटोनिमस वर्ड चाहिए ये तो सिनोनिमस हो जाएगा ना ये देने वाला वो एंटोनिमस बेस का मतलब क्या होता है आधार यानी बेस का इस्तेमाल इस सदस में भी आप करते हैं ई एल ई एम ई एन टी आर एलिमेंट्री वर्ड का मीनिंग समझते हो क्या होता है प्राथमिक वेरी गुड यानी फाउंडेशन क्या होता है मैं दो चार वर्ड यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़े और ये आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा ये वाला पीडीएफ क्या लिखा हुआ है फाउंडेशन या एलिमेंट्री इसको बोलते बेसिक बेस से ही आपका बना है वर्ड बेसिक डिपेंडेंस क्या होता है निर्भरता जब किसी पे आप डिपेंडेंट रहेंगे यानी आप इसका एक दो वर्ड याद रख लीजिए एक वर्ड होता है स्लैब स्लैब का मतलब गुलाम जो गुलाम होगा सामने वाले पे डिपेंड करेगा इसी के जैसा एक वर्ड आता है सरवाइल क्या है सरवाइल देखो आर लिखा हुआ है ना तीन वर्ड है ऐसे सरवाइल बोला सर्वेंट बोला सर्विट्यूड बोला इस तीनों वर्ड को याद रखने का फॉर्मूला ये है कि तीनों के स्टार्टिंग में एस आर वर्ड है एस आर एस आर लॉजिक लगा लेना कि सर्वेंट में क्या होता है और सर्वेंट का मतलब क्या और नौकर अपने मालिक के सामने जी हजूरी करेगा कि नहीं करेगा करेगा ना याद रखिए तो सर्वाइल बोलिए सर्वेंट बोलिए या सर्वी ट्यूड सर्वी ट्यूड वर्ड को ऐसे समझ सकते हो एटीट्यूड वो समझता है ना मतलब एटीट्यूड है लेकिन आपका सर्व करने वाला एटीट्यूड है यानी सेवा देने वाला तो सर्विट्यूड कहलाएगा और जो सेवा देने का काम करेगा सेवा कौन देगा अब इसका मतलब यह नहीं कि आप बोलोगे सर हम नौकर हुए, बिल्कुल सरकारी नौकरी होंगे आप ना आप जो जॉब करेंगे आप गवर्नमेंट के हेल्पिंग हैंड होंगे गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे जैसा ऑर्डर मिलेगा तो आप क्या हो गए सर्वेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट क्वेश्चन किधर गया क्या है इधर आ जाओ वट इज द द एंटोनिम ऑफ वर्ड एडेस्टल क्या होता है मीनिंग एडेस्टल का मीनिंग क्या होगा एक वर्ड होता है डायस सुने हैं क्या होता है डायस मंच है ना इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो पोडियम अब ये तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पोडियम पे पढ़ा रहा हूं है ना और ये बोला जाएगा अपने लाइफ के हाईएस्ट पोडियम पे है यानी शिखर पे है कहां पे है शिखर पे है यहां पे ढेर सारा वर्ड लिखा जा सकता है जैसे एक वर्ड आया पिनाकल पिनाकल समझते हैं एक वर्ड होता है अपैक्स ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखने की कोशिश करूंगा सबमिट सबमिट एक वर्ड होता है आपका अपैक्स लिख दिया मैंने अपोजी जानते हो ये सब होता है शिखर के लिए किसके लिए शिखर के लिए पैरामाउंट वेरी गुड आइए तो बेस का मतलब क्या हो जाएगा जो बिल्कुल नीचे है यानी लो की बात करोगे का मतलब जो बिल्कुल टॉप पे इसी का सिनोनिमस और ऑटोनोमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी बोलना है क्लास में एग्जाम में हिंदी नहीं आएगा ना सेल्फ रूल वेरी गुड देखिए ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ कम समय में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए और नॉमी का मतलब क्या होता है रूल है नियम और कानून ओटोनोमी का मतलब होता है खुद का शासन और यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक वर्ड आता है मैं बता दूं आपको ऑटोक्रेसी सुने हो यहां से एक वर्ड सुने होंगे ऑटोक्रेट क्लियर है मामला नॉर्थ कोरिया याद है किम जोंग वो ऑटोक्रेट है क्रेसी का मतलब भी होता है रूल और ऑटो का मीनिंग भी होता है सेल्फ ये भी सेल्फ रूल है और ये भी दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई साहब ये जो है एक इंडिविजुअल का होगा ये जो है एक इंडिविजुअल का होगा ही होगा लेकिन ये इंडिविजुअल का होने के साथ साथ अप्लाई जो होगा वो सब पे होगा यानी अप्लाई ऑन ऑल इसका क्या मतलब यानी हम जो बोले सभी को मानना पड़ेगा ये हो गया तानासा ये क्या हो गया तानासा ऑटोनोमी जो है ये भी एक इंडिविजुअल का ही है ये भी एक इंडिविजुअल का ही है लेकिन ये बोल रहा है अप्लाई ऑन माई सेल्फ ये सिर्फ मेरे पे अप्लाई होगा यानी मेरी लाइफ मेरी मर्जी मुझे है ना ऑटोनोमी होता है खुद तक यानी मेरी लाइफ है मुझे जो करना है वो करना है मेरे से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए ये डिफरेंस होता है ये क्या है अंडर स्टेटमेंट क्या होगा यानी अंडर का मतलब जिस चीज के दायरे में आप है और स्टेटमेंट यानी आपका जो स्टेटमेंट है आपके दायरे आपके आसपास का ही है बाहर का नहीं है आंसर मेरा क्या हो जाएगा पेडेस्टल का एंटोनिमस एंटोनिमस है बंधु क्या हो जाएगा बेस इज व स्नोनिंग ऑफ द वर्ड सॉबरिंटी क्या होता है मीनिंग बोलो इसका मीनिंग क्या होगा सॉबरिंटी यानी जो आपकी पहचान है जो आपकी आइडेंटिटी है हाँ जो आपकी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है एम्बलेम है ना सिंबल साइन का भी इस्तेमाल कर लेते हो ऑटोनोमी वर्ड तो आप समझ ही गए इस पर डिबेट करेंगे नहीं डिपेंडेंस आप जानते ही हैं डोमिनेंस के लिए एक वर्ड आया था पैसेज में कौन सा कौन सा वर्ड आया था मनी डोमिनेंस और यहां पे कौन सा वर्ड है वीकेंड तो आप जानते ही होंगे कमजोर होना जानते हो ना इसके लिए एक वर्ड जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे प्रिजाइल वर्ड होता है या ब्रिटल वर्ड होता है ये सब वर्ड याद रखिएगा आप ठीक है हाँ आंसर क्या होगा सॉवरिटी का सिनोनिमस देखो आइडेंटिटी पहचान ऑटोनोमी तो हो गया खुद का शासन डिपेंडेंस तुम किसी पे डिपेंडेंस हो वीकेंड का मतलब होता है कमजोर होना बोलेंगे सर डोमिनेंस का मतलब तो हैजेमनी है डायरेक्ट सिनोनिमस नहीं होगा लेकिन ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सी आंसर होगा क्यों होगा आप अपनी पहचान को लेके डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं होते ये मेरा खुद का है बोलते कि नहीं बोलते तो उस सेंस में क्या हो जाएगा डोमिनेंस बढ़ाएगा कोई डाउट है इसमें आगे बढ़ू एनर्जी का ही कम किया जी डाउट है बोला कीजिए नींद आ रही है क्या देखो आप हिंदी जोश के साथ पढ़ लेंगे मालूम है सर आएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे संधि विच्छेद करवाएंगे विद्या जो अर्थी विद्यार्थी है ना जी उसके बाद कंप्यूटर वाले सर आएंगे वो भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे लास्ट में है मेरा क्लास मतलब जब तुम थक जाओ तब आओ उससे पहले बच्चा इसे थका हुआ होता है होता है कि नहीं होता है इंग्लिश देख के ही डर लगता है हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हम लोग हिंग्लिश पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं क्या मतलब होता है इसका इंग्लिश प्लस हाँ ऐसे पढ़ते हैं उसमें कबारा तो होगा ही आपका वही बोला गया है आर द न्यूएस्ट रिसिपियंट ऑफ द भारतीय रत्न अब जो आप पैसेज पढ़े हैं ना उस पैसेज से क्वेश्चन आया कि नया रिसिपियंट कौन है नरेंद्र मोदी या कर्पूरी ठाकुर नहीं होगा बी नंबर एल के आडवाणी एंड ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर होगा फटाफट -फड़ करके निकल जाना है एल के आडवाणी एंड नरेंद्र मोदी एंड ए बी बिलकुल नहीं होगा बहुत ही आसान पैसेज है अब आइए वॉट रोल डिड एल के आडवाणी प्ले इन द एडवांसमेंट ऑफ दिंदुत्व आइडियोलॉजी कौन सा रोल प्ले किया होगा ही सर्वड टू टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर जी यह भी नहीं होगा ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ये भी नहीं होगा तो क्या बचा तो जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तो जो नहीं होगा उसको आप गलत करते हुए निकल जाइएगा सही जो होगा वहां पे पहुंच जाओगे ये तरीका होता है ठीक जैसे पे मेंटोर की बात किए किए हैं वो तो और भी रोल प्ले थे ना ना पैसेज में में बोला गया था ना। कि राम मंदिर बनाने में उनका बहुत योगदान था हिंदुत्व आइडियोलॉजी भारतीय जनसंघ वो चौदह साल की उम्र में ज्वाइन किए थे दिया गया था नहीं दिया गया था लेकिन आपको यहां कुछ भी दिया गया नहीं है तो जो ऑप्शन एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट करके जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा आगे क्या है वॉज द सेंट्रल फिगर इन द सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स ऑफ बिहार एंड द लार्जर हिंदी बेल्ट कौन है भैया किस ऑप्शन में बी में नरेंद्र मोदी नहीं है ये भी नहीं आपके और यह भी नहीं आपके बहुत बढ़िया हाउ हेज द बीजेपी गेंड इट्स करेंट स्ट्रेंथ बीजेपी को अभी आप पढ़े थे कि कैसे अलाइनमेंट हुआ नीतीश कुमार जी से कैसे वोट मिलेगा वही दिया हुआ है कि ज बीटी बीजेपी गेन्ड बाय ऑनरिंग इसी का गेम था जैसे ही भारत रत्न दिया गया सब लोग आ गए साथ में बाय द कैंपेन ऑफ हेम्पल अयोध्या टेम्पल से कोई मतलब नहीं है उनको बाय द राम जन्मभूमि अब देखो ये सब पैसेज में दिया हुआ है आपको लगेगा कि राम मंदिर बना वोट तो मिलेगा ही बीजेपी को फिर राम जन्मभूमि की बात होगी बीजेपी को वोट मिलेगा है ना लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है हाउ हैज द बीजेपी गेन इट्स करेंट स्ट्रेंथ राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना है यहाँ क्या बोला गया है करेंट तो करेंट में क्या होगा लेकिन ये सब पैसेज में बोला गया है कि नहीं बोला गया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो पूरा लाइन पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा और पैसेज पढ़ने का एक और तरीका बच्चा क्या करता है पहले क्वेश्चन देख लेगा फिर पैसेज को देखने जाएगा अब आप फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में नहीं है वो गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि वैसे जवाब आपको नहीं मिलेगा वो जब हम अंडर टेंट होते थे कर लेते थे अब नहीं कर पाएंगे आगे बढ़िए लास्ट क्वेश्चन है हु वर द कन्फर्ड द भारत रत्न इन द होप दैट देयर फॉलोअर्स वुड बैक टू द पार्टी देखो वही वाली बात कि पार्टी को सपोर्ट मिलेगा किसके फॉलोअर देयर फॉलोअर्स वुड बैक टू द पार्टी और अलायंस रूलिंग एट द सेंटर हु वर कौन दिया भारत रत्न यह बोला गया है किसको दिया गया एल के आडवाणी कर्पूरी ठाकुर एम राम जी रामचंद्रन एन बी आर अम्बेडकर अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय, है प्रणब मुखर्जी किसकी बात कर रहे थे किसी की बात कर रहे थे ये तो आंसर था जो उस पैसेज का है वो दे, दे देता हूँ आप घर पे जाएंगे एक बार फिर से इस पैसेज को पढ़ेंगे और खुद से आंसर करोगे और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है उसको मैच करोगे क्या है भारतीय देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड आप लोग भी नहीं बोले क्या लिखा हुआ है यानी ऐसी उम्मीद की जाएगी कि उनके फॉलोअर को भी पाया जाए यानी दिया गया नहीं ये ये वर्ड मिस हो गया मेरे से तो वाला आंसर नहीं होगा कौन सा होगा फिर ये वाला है ना और ये लास्ट लाइन में था देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है किधर देखना जरा इसमें यहां पे है ना एन बी आर अंबेडकर वो कन्फर्ड इन द हो और यही वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया गया था क्लियर है मामला अब आइए नेक्स्ट पढ़ाते हैं कुछ तो इसी तरीके से आपको पैसेज मिलेगा उसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है वो कैब होगा वो कर लेना है और पीसी राइटिंग हमने समझा दिया शॉर्ट में कैसे लिखना है अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करोगे आ रही है चाय मंगवा दें बिल्कुल नहीं हम सात दिन आपसे मिलेंगे और सातों दिन आपसे पूछेंगे चाय चाहिए आप बोलिएगा नहीं सर क्योंकि तो मंगवाने वाले तो लेकिन पूछें पूछना हमारा काम है चलिए अब क्या लिखे क्या पढ़ाएन तो हो गया एक लेटर का एग्जाम्पल दिए हैं और ये सिंपल में लिखा हुआ है किसके बारे में है इंट्रोडक्शन आप बिहार के बारे में है मान लीजिए आपको दे दे इंडिया के बारे में ऐसे लिखने के लिए कैसे आप लिखोगे तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है हमने ऐसे लिखने का क्या बताया था सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके बाद क्या होनी चाहिए बॉडी बॉडी में ये मत लिखना आई हैव टू हैंड्स टू आईज बॉडी के बाद यही होता है पढ़ना चाहेंगे इस लाइन को बोलो नहीं आ रही है ना टाइट होके बैठना है पूरा मैंने क्या बोला लाइफ शुड बी डायनामिक है ना ऐसे बैठ नहीं एकदम टाइट रहना एक्टिव रहना है रोड पे चलते हो तो चलो ऐसे चलो रिक्शा वाला तुम्हें देख के रुक जाए तुम मत रुको है कि नहीं है हाँ तो एक्टिव रहना है लाइफ में आइए इधर इसका पीडीएफ डी कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है ना चलिए नहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक दिन पढ़ा रहा था बोलते यहाँ क्या चल रहा है लाइव दस बजे से बारह बजे डेली यूट्यूब पर पढ़ाते हैं हम रात को आप लोग भी आना चाहे तो आ सकते हैं बट वहाँ आपके यूज का नहीं होगा वो क्योंकि वहाँ ग्रामर बुकैप वगैरह होता है पढ़ा रहे थे एक मोहतरमा आई पूछती है सर यहाँ क्या हो रहा है हमने बोला लुंगी डांस हो रहा है और क्या जवाब दें उसको आइए इधर दस से बारह होगा लेकिन आपके यूज का भी नहीं आप अपने इस कंटेंट पे काम कीजिए सात दिन है ना आप मत आइए आइए यहां पे क्या लिखा हुआ है बिहार के बारे में मान लो बिहार पर दे दे कैसे लिखोगे तो सबसे पहले आपको जब भी कुछ लिखेंगे तो आपके पास थॉट होना चाहिए डेटा होनी चाहिए फैक्ट्स होना चाहिए उसका फिगर होना चाहिए बिहार के बारे में जानोगे तभी तो लिखोगे अगर हिंदी में लिखने बोलते फटाफट -फड़ लिख दोगे क्यों लिख दोगे और वही बोलेगा इजराइल के बारे में लिखिए रुक जाइएगा हिंदी में भी नहीं लिख पाइएगा क्योंकि इजराइल के बारे में आपके बारे में ज्यादा जानकारी पाकिस्तान के बारे में बोलेगा लिखोगे खाली सिर्फ नेगेटिव लिखोगे पॉजिटिव तुम कुछ नहीं लिखोगे ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे नेगेटिव ही है पॉजिटिविटी भी होगी तु? क्या इसीलिए आपको जब किसी चीज के बारे में लिखना है तो पूरा का पूरा डेटा वहां का होना चाहिए बोला जाएगा डॉरी पे लिखिए दहेज पे दहेज पे लिखो कैसे लिखोगे उसका अप्रोच कौन सब मालूम होना चाहिए सरकारी नौकरी हो जाता है तो मिल जाता है सर ना हो तो भी होने होता है के मतलब पूरा बढ़िया से लिखोगे आपको बोला जाएगा करप्शन पे लिखने तो करप्शन नेगेटिव, नेगेटिव एलिमेंट है, है या समझते हैं आप क्या होता है कोनोटेशन होता है एटीट्यूड ऑफ वर्ड क्या होता है एटीट्यूड ऑफ एटीट्यूड टू टाइप्स का कितने टाइप्स का पॉजिटिव और अटिटूड क्लियर है मामला यानी वर्ड पॉजिटिव भी होता है और वर्ड आपका नेगेटिव भी होता है मैं एक लिख के समझा दू यहां पर पे। सेकेंड पेज पे लिखता हूं जैसे मान लीजिए एक वर्ड है आपका बहुत ही सिंपल वर्ड लिख रहा हूं क्या है केयर यहां से वर्ड आएगा केयरलेस एक वर्ड आया केयरफुल और एक वर्ड आया केयर फ्री क्लियर के है मामला फिर मैं आपसे पूछूंगा ये केयरलेस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सब बता दोगे क्या है यानी इसका कोनोटेशन कैसा है जवाब दीजिए ऐसे मत बैठो एक्टिव होके बैठिए प्लीज क्या नाम है आपका हाँ एकदम एक्टिव होके बैठिए है।, है ना केयरफुल कैसा वर्ड होगा पॉजिटिव वर्ड होगा केयर फ्री कैसा होगा पॉजिटिव होगा न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव अब देखो कैसे केयरलेस बोलते हैं लापरवाह जिसको परवाह ही घर से निकला क्लास के लिए चला गया गांधी मैदान कोई परवाह नहीं है केयरलेस केयरफुल पूरा का पूरा केयरफुल है अटेंटिव जैसे आप लोगों का रिजल्ट आया पढ़े होंगे तभी आया फिर अभी और मेहनत करोगे तो आगे भी आएगा नहीं कर पाओगे तो नहीं है केयरफुल लेकिन इसी में क्या होगा कुछ लोग अभी बहुत टेंशन में होंगे पता नहीं सर कैसे होगा पता नहीं कैसे होगा तो अभी आप अगर ऐसा सोचेंगे पता नहीं कैसे होगा तो हम जो भी यहां पर डिलीवर करेंगे आपके माइंड में क्योंकि आप बी ऑन द मोमेंट बी ऑन द मोमेंट का मतलब होता है जहां हो वहां रहो आप वहां आप एग्जाम के बारे में सोच रहे पंद्रह तारीख को क्या होगा क्या होगा क्या होगा तो आप केयर फ्री तो केयरलेस बोलते हैं लापरवाह केयर फ्री बोलते हैं बेपरवाह जिसको किसी भी चीज की परवाह जैसे एक हमारे यहाँ कवि हुए क्या नाम है रहीम उनका एक दोहा है चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह जिसको कुछ नहीं चाहिए सहन के साह है ना जी मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप फ्री रहिएगा लेकिन आपको चाहिए गाड़ी घर ये क्या बोलेगा वो क्या जी क्या बोल देंगे जब इतना लोडेड रहोगे तो फ्री नहीं रह पाओगे केयर फ्री नहीं रह पाओगे सोचोगे मौसा क्या बोलेंगे है ना और जब तुम्हें परवाह ही नहीं है किसी चीज की तुम घंटा नहीं सोचोगे तो इस एटीट्यूड को क्या बोला जाएगा यानी आप अभी सोचेंगे कि मेरे पास जो सेवन डेज है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देना है आगे महादेव की मर्जी जो होगा देख लेंगे केयर फ्री क्लियर है मामला वही होता है इसको हम बोलते हैं कोनोटेशन तो जैसे ही मैंने बोला कि आपको करप्शन पे लिखना है तो वहां पे किस टाइप का वर्ड आपको चाहिए पॉजिटिव की नेगेटिव तो कल मैं आपको स्लाइड में मतलब हंड्रेड हंड्रेड करके हंड्रेड कम से कम पॉजिटिव और हंड्रेड नेगेटिव वर्ड दे दूंगा ताकि अगर मान लो नेगेटिव किसी भी पॉल्यूशन पे, पे आ गया तो नेगेटिव है फ्लड पे आ जाए नेगेटिव है टॉर्नेडो पे आ जाए वो नेगेटिव है लेकिन वहीं पर आ जाए मान लो आपको लिखना है दीपावली पे पूजा पाठ के बारे में तो वो ईद के बारे में तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोनोटेशन में पॉजिटिव वर्ड के साथ जाना नेगेटिव में कल आपको मिल जाएगा वो लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप उसे घर पे पढ़ लीजिएगा क्लियर आइए यहां पे इसके बारे में पढ़ते हैं ये तरीका बताएगा कैसे लिखा जाए क्या लिखा हुआ है हाँ मैं इंग्लिश बोलूंगा आपको मीनिंग बोलना है पीछे से ताकि समझ में आए बिहार इज द प्लेस दैट गिव बर्थ टू एंड जेनिज्म इन द ग्रोथ ऑफ एंड हिंदुइजम अब ये इजम इजम बॉलीवुड पास्ट दैट इज अनमेड एनीवेयर इन द क्या मतलब हुआ इसका देखिए बिहार जो है गरीब राज्य है यह बात बिल्कुल माम सही है लेकिन आप देश के किसी भी कोने में जाइए बिहार की चर्चा होती ही है क्यों होती है इसका अपना इतिहास रहा है क्या क्या बोलाजम और और एक चीज यहां से ग्रामर का ज्ञान ले लो किसी भी वर्ड के एंड में आई एस एम होता है ना वो मेरा ए बी एन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्लियर है मामला अब ये हैज किसके लिए है बंधु ये है जो है ये आपका जो वब आया हुआ है बिहार के लिए है। अब बोलेंगे सब्जेक्ट यहां पे है वब यहां पे है ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब बिहार इज द प्लेस ये दैट के बाद यहां तक जो लिखा हुआ है ना कि दैट गेव बर्थ बुद्धिज्म जेनिज्म हिंदुइज्म इस प्लेस के बारे में है और इसको हम क्या बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं एजेक्टिव क्लॉज अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो जानते हैं क्योंकि तो जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसको एजेक्टिव बोलोगे एक वर्ड करेगा तो एजेक्टिव बोलोगे एक से ज्यादा वर्ड करेगा और उस पास्ट इसका अपना एक पास्ट रहा है दैट इज द वर्ल्ड और ये का मतलब यूनिक रहा है क्लियर है मामला आगे क्या बोला गया इट वॉच इट किसके लिए बिहार के लिए ये सब जानना जरूरी है क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे तो किस नाउन के लिए क्या प्रोनाउन होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए राम लिखोगे तो ही होना चाहिए सीता लिखोगे तो राम एंड श्याम है तो दे होना चाहिए ये मामला क्लियर होना चाहिए आपका इट वॉज द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड एट बैशाली एंड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट इन द वर्ल्ड एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी यानी ये फर्स्ट रिपब्लिक रहा है इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में और प्लेसमेंट बताया क्या कहां हाजीपुर बेसाली जिला एंड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जहां आप हैं वाज द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट इन द वर्ल्ड एट द हाइट ऑफ इट्स तब इसका अपना एक सम्मान हुआ करता था टॉप पे जो अभी हम वर्ड पढ़े थे ना कौन सा अपोजी पिनाकल सबमेट देयर इज एन एरे एरे का मीनिंग क्या होता है एरे का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है परफेक्ट अब इसी एरे के पहले डिस लगा दोगे ना तो डिस एरे जिसको हम बोलते हैं यानी में नहीं है। याद रखिएगा एरे का मतलब होता है एक में होना। ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट इन डाइवर्स का मीनिंग क्या होता है विविधता वैसे का वर्ड का मीनिंग होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं ना आप डायमें टू होता है और वर्ड का मीनिंग होता है टर्न होना क्या होना कैसे याद रखोगे कार में रिवर्स गियर होता है तो री का मीनिंग बैक वर्स का मीनिंग टर्न जब कार को बैक करना होता है कौन सा गियर लगाते हो री मीन्स री बैक वर्स मीन्स टर्न तो रिवर्स तो डाइवर्स का मतलब जब अलग अलग लोग यहां पे आते हैं अलग अलग इंटरेस्ट होता था इन द स्टेट यानी यहां पे एक परफेक्ट लोकेशन था किसके लिए टूरिस्ट के लिए जो लोग यहां आते थे अलग अलग इंटरेस्ट वाले आगे क्या बोला गया दो यद्यपि देयर पोटेंशियल हैज नॉट बीन एक्सप्लाइटेड फुल्ली टिल नाउ इसका क्या मतलब हुआ इसकी जो क्षमता है हैज हैज बीन बीन नॉट यानी इसका शोषण पूरी तरह नहीं हो पाया ये अभी भी जिंदा है आपके यहां नालंदा यूनिवर्सिटी था है कि नहीं था वही सब बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट सर्किट टू द पटना साहिब ऑफ पटना एंड मिथिला पेंटिंग्स ऑफ मधुबनी सिल्क प्रोडक्शन सेंटर ऑफ भागलपुर द स्टेट हैज मस्ट टू ऑफर टू द टूरिस्ट इतने सारी चीज आपके पास है और वो जो मधुबनी पेंटिंग है ये तो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है आपको मालूम होना चाहिए अब आगे क्या बोला गया कि मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज द इट इज द प्रेजेंट इमेज ऑफ द स्टेट दैट इज नॉट अलाउंग द स्टेट टू बी अचूनर इन द एट्रैक्टिंग टूरिस्ट अब यहां देखो फॉर्चुनर का मतलब होता है भाग्य फॉर्चून बोलते हो ना फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लेकिन प्रेजेंट का क्या स्टेट है हमारे बिहार का हम कहीं जाते हैं तो बिहारी जो है ये तो प्राउड फील वाला वर्ड होना चाहिए लेकिन कोई बिहारी बोलता था तो क्या लगता है गाली दे रहा है कोई हमारे यहाँ आना नहीं चाहता है ऐसा है कि नहीं है लेकिन एक जमाने में हम वर्ल्ड को क्या देते हैं एजुकेशन देते थे नालंदा वाला क्लियर है मामला लेकिन अब ये स्टेट हमारा है तो यहाँ से नेगेटिव यहाँ पे देखो क्या इस्तेमाल किया गया था कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया था है भागलपुर मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज प्रेजेंट इमेज टू द स्टेट दैट इज नॉट टू बी भी कहीं पे इस्तेमाल था दो, दो, ये, ये नेगेटिव सेंस में बात करेगा जैसे मैं बोलूं ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड इसका क्या मतलब हुआ यद्यपि उसने मेहनत तो की लेकिन सफल कॉन्ट्रास्ट की बात करेगा यानी पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो वही पहले पॉजिटिव बोला गया और बाद में थोड़ा सा नेगेटिव आगे देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिहार अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो तो बिहार के बारे में बात किए थे क्या लिखा हुआ है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ बिहार इज लॉस्ट एज दर नॉट डॉक्यूमेंटेड बट विद द एडवेंट ऑफ जेन एंड बुद्धिस्ट एडवेंट का मतलब क्या होता है आगमन कमिंग मैं आप लोगों को देखिए हिंदी मीनिंग हर एक वर्ड का याद है लेकिन वहां पर हिंदी आपसे पूछा नहीं जाएगा है ना एडवेंट विद द एडवेंट ऑफ जेन एंड बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट्स बिगेन एंड फ्रॉम दिज टेक्स वी गेट टू नो अबाउट दिक्कस महा यह आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे दैट फ्लॉरिस फ्लॉरिस का मतलब क्या होता है यह पढ़ाने का मेरा पर्पस है मैं आपको वर्ड बता दू फ्लॉरिस का मतलब प्रॉस्पर उन्नति करना प्रॉस्पर उन्नति करना सक्सीड करना वेल्दी टू बी वेल्दी हो जाएगा टू बी धनवान बनना है ना ध्यान रखिएगा फ्लोरिस का ये मीनिंग होता है एक मीनिंग और लिख सकते हो यहाँ पे इनोवेट करना क्या करना इनोवेट याद रखिएगा ये स्लाइड जाएगा आपको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कोई भी विचार जो निकल के आया वो सामने आया ना कमिंग का मतलब थोड़ा एक इंसान का ही आना होगा कमिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी ही आएगी बुद्धि जी बुद्ध क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध से जो भी आया वो उनके विचार ही है ना तो एडवेंट हुआ ना तो कमिंग का मतलब ये मत सब जो राम केम राम आया उसके विचार भी आए क्लियर चलिए आगे क्या बोला गया है दिस टेक्स वी गेट टू नो अबाउट द सिक्सटीन महाजनपद दैट फ्लोरिस ड्यूरिंग द सिक्स सेंचुरी बीसी बीसी आप जानते होंगे हाँ अब यहां बोला गया वैशाली अंग राजगिरी पाटलिपुत्रा नालंदा मिथिला आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द प्लेसेस इन बिहार दैट नीट द हिस्ट्री नीट का मीनिंग क्या होता है बुनना अब नीट का मतलब यहां स्वेटर नहीं होगा हम इतिहास भी अपना बुने हैं ना जो भी हमारी विरासत रही है तो नीट का मतलब होता है बुनना नीटेड द स्वेटर का इस्तेमाल होता है द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में बात है इसकी वैशाली नदरन बिहार नदरन बिहार का पार्ट है ये हमारा वैशाली और आपको मालूम है बिहार को दो हिस्सों में बांटा जाता है किसके माध्यम से गंगा के माध्यम से जो उस साइड है नॉर्थ जो इस साइड है साउथ आगे क्या बोला गया द सेंटर ऑफ द ये क्या लिखा हुआ है लिच्छवी किंगडम इज रेटेड एज द मोस्ट एंड क्रेडिटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक इट गॉट इट गॉट इट्स ऑरा ऑरा का मतलब क्या होता है जैसे बोलते हैं ना शाहरुख खान का अलग ही ऑरा है यानी आपका लेवल अलग ही है लेवल की बात करते हैं है ना तो क्या है ये इट गॉट इट्स और ऑफ सेंटिटी सेंटिटी का मतलब सेंटिटी देखो एक वर्ड होता है रिलीजियस एक वर्ड होता है स्पिरिचुअल थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से रिलीजियस वर्ड जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है स्पिरिचुअल वर्ड जो होता है वो जैसे मैंने कोनोटेशन बोला अभी जो रिलीजियस होगा वो थोड़ा सा कट्टर होगा मैं बेहतर तू कमतर जिसकी लड़ाई चलती है स्पिरिचुअल जो होगा वो सीधा बोल जैसे आप अगर बॉलीवुड में नाम जानते होंगे आशुतोष राणा का नाम आप लोग जानते होंगे अनु कपूर का नाम जानते हैं अनु कपूर नहीं जानते बिक्की नोडर मूवी देखें डॉक्टर चड्डा वही अनु कपूर साहब तो आप सुन लीजिए इन लोगों को अगर सुनेंगे तो ये लोग क्या बोलते हैं आई एम एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक का मीनिंग क्या होता है नास्तिक दो तरह के नास्तिक होंगे एक होगा बोलेगा मैं ही भगवान हूं एक बोलेगा हम भगवान के बारे में नहीं जानते जो बोलता है मैं ही भगवान हूं उसी के लिए कोविड आया था क्योंकि हमें बनाया गया है प्रकृति ने हमें वो जब चाहे तब लपेट देगी हम इधर उधर करेंगे हमारी औकात लिमिटेड है हम फिक्स दूरी तक ही देख सकते हैं बीस से बीस हजार हर हम सुन सकते हैं साइंस ने प्रूव किया है इस चीज को तो हम इंसान हमारी औकात लिमिटेड तो अगर हम भगवान बनना चाहेंगे देखिए एक वायरस आया जो ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया और बोला घर घुस के मारेंगे घर घुसा दिया बोला तुम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो बोरिस जॉनसन तुम्हें दो दो बार होंगे आप लोगों को मालूम होना चाहिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन दो बार हुए कोविड के शिकार तो कहने का मतलब हम इंसान हम लिमिटेड हैं तो वो जो एक वर्ड आया अथिस्ट जिसको नास्तिक बोलते हम ही भगवान है तुम भगवान नहीं वो नेगेटिव वर्ड होगा वो रिलीजियस होगा वो कट्टर होगा और कट्टर जो होगा वो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर मार काट करेगा स्पिरिचुअल का डायलॉग ये होगा कि भाई मैं भगवान से नहीं मिला ना मैं राम को जानता हूं ना मैं कृष्ण को जानता हूं ना अल्लाह से मेरी मुलाकात हुई है इसलिए रिस्पेक्ट करूंगा तो सभी की करूंगा नहीं तो किसी की नहीं करूंगा वो स्पिरिचुअल होगा मामला क्लियर तो ये जो सेंटिटी वर्ड है ना ये एस से शुरू हुआ है और ये स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा आध्यात्मिकता समझते हो ना उसकी बात करेगा सेंटिटी वो है इट्स ऑफ सेंटिटी यानी ये इतना पवित्र होता था उस समय यहां पे सेंटिटी का मतलब पायस है क्या है पवित्र और जो पवित्र है वही आध्यात्मिक है चाहे तुम मंदिर जाओ या फिर नहीं जाओ विद द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर हेयर दिस वॉज ऑल्सो द फेवरेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड का मतलब क्या होता है भाषण नहीं उपदेश देना भाषण तो मैं दे रहा हूं आप लोग को इरिटेट कर रहा हूं तभी से आप सोच रहे होंगे कब जाएगा घर जाएंगे खाना खाएंगे सोचो तो आधा घंटा और लेंगे इतना गंदा सोच रहे हैं आप मेरे बारे में इतने बुरे हैं हम हाँ? चाय मंगाएंगे बाबू और उसमें जहर मिला देंगे एग्जाम से पहले ही निपट जाओगे आइए इधर बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीरा फेवरेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा प्रीच का मतलब होता है टीच करना उपदेश देना ज्ञान देना प्रवचन देना लेकिन उसमें होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी आधुमिकता होनी चाहिए ये नहीं कि आगे कुछ भी बोल रहे हैं है ना मारपीट मचा रहे ऐसा नहीं करना है शांति होनी चाहिए संत उसको बोलोगे जिसका मन शांत होगा है ना जो हाहाकार मचाए वो संत नहीं हो सकता वही बोला गया मतलब लीड करना बोल सकते हो इसी के लिए वर्ड आता है डॉक्ट्रिन डी ओ सी टी आर आई एनी डॉक्टरिन ये भी होता है टीच करना पढ़ाना लिखाना समझाना हिज लास्ट सरमन सरमन का मतलब क्या होता है उपदेश प्रीच हो गया उपदेश देना सरमन हो गया उपदेश ये नाउन है और ये वॉब है क्लियर है मामला चलिए विच वॉज लेटर कम मेमोरेटेड कम मेमोरेटेड का क्या मीनिंग होगा यहां पर देखिए मेमोरी वर्ड है तो मैम का मतलब याद रखना जिसे बाद में याद किया जाता है हमेशा याद करते हैं हम लोग बाय लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय किंग लायन कैपिटल आप जानते हो ना वो जो तीन शेर वाला है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है इसी पत्थर पे कुछ तुम लिखवा दिए कुछ करवा दिए इस टाइप का हां किंग हिंदी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में बार बार यही कहता हूं ना, अब क्या लिखा हुआ है ऑफ बिहार जियो का मतलब क्या होता है अर्थ ग्राफ का मीनिंग क्या होता है राइट या डिस्क्राइब क्या होता है डिस्क्राइब यानी यहां पर किस चीज के बारे में लिखा जाएगा अर्थ के बारे में लिखा जाएगा ध्यान रखिएगा यहीं पे अगर वर्ड ऐसे आ जाएगा मान लो यहां पे वर्ड आ जाए साइकोग्राफी तो साइक का मीनिंग क्या होता है माइंड होता है साइको ऐसा मत बोलिए वो साइको है साइक मतलब होता है माइंड क्या होता है माइंड ग्राफ का मीनिंग क्या लिखना यानी जो दिमाग का विवरण करेगा जैसे माइंड के बारे में बोलेंगे तो माइंड को टू पार्ट्स में बांटा जाता है दो हेमीएसपियर में बांटा तो जाएगा एक जो आपका होता है जैसे आप मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज वगैरह आप समझ रहे हैं चीजों को सीख रहे हैं ये एक पार्ट होता है जिसको लेफ्ट साइड बोलते हैं लेफ्ट हैमीस्पियर और राइट साइड जो आपका होता है बड़ा क्रिएटिव होता है जो लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं वो जो भी है नॉम चॉम्स की एक फिलोसफर भी उन्होंने दिया था तो आपका एक होता है क्रिएटिव जो आप पढ़ाई लिखाई के अलावा सोचते हैं जैसे आप नाम जानते होंगे रितेश अग्रवाल का नाम सुने हैं कौन है वो ओयो होटल के फाउंडर हैं उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं बहुत गरीब परिवार से थे कोई भी जॉब वगैरह कुछ नहीं है ना लेकिन उन्होंने क्या सोचा कुछ अलग करना है तो जो थोड़ा अलग करते हैं उसको आंतरपिनी और आप कहते हो जैसे एलॉन मस्क एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा तो राइट साइड जो हमारा माइंड का होता है बड़ा ही क्रिएटिव होता है वो सब में होता है सब यूटिलाइज नहीं कर पाता तो वही है साइकोग्राफी माइंड के बारे में उसी प्रकार आप अगर मैं ऐसे लिखूं कोरियोग्राफी क्या होगा कोरियो का मतलब होता है डांस और ग्राफ का मतलब बताने वाला यानी जो डांस के बारे में बताएगा जैसे आप अगर शो वगैरह देखते होंगे जो शो आता है किसी ने अगर डांस किया तो जस्ट साहब क्या बोलते तुम्हारा ये वाला स्टेप थोड़ा ऐसे होना चाहिए था इसमें तुम्हारे पॉइंट्स कट गए होता कि नहीं होता है कोरियोग्राफर आइए यहां पे तो जियोग्राफी ऑफ हिस्ट्री की बात कर लिए इंट्रोडक्शन कर लिया जियोग्राफी की बात करते हैं बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन रीजन का मीनिंग क्या होता है क्षेत्र एरिया और यहां से एक एजेक्टिव बनता है कौन सा रीजनल बोलते हैं रीजनल मैनेजर क्या बोलते हैं रीजनल मैनेजर ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग नेपाल इन द नॉर्थ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट एंड झारखंड इन द अब देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत ही आसान है लिख देगा तो लिख पाओगे एग्जाम में जो आएगा लिख पाएंगे आप इसके लिए आपको मास्टर होना है है ना इसीलिए आपको डेटा फैक्ट्स फिगर होने चाहिए और मैं एग्जाम से पहले आपको 10-15 सीट प्रोवाइड कर दूंगा जैसे पॉल्यूशन का डॉरी का फिर इंडिया के बारे में कुछ दे फिर कोविड एक मैसेज है जिसके बारे में आ सकता है पॉसिबिलिटी है है ना अभी पाकिस्तान में सरकार बनी है करंट जो सिचुएशन होता है न, उसमें ना उसमें आता है इस सबका ऐसे दे दूंगा लेकिन आप रट नहीं पाओगे क्योंकि रटना बहुत टफ होता है समझना पड़ेगा उसे मैसेज लेना समझना आइए नॉर्थ ये क्या है गैंगेटिक यानी रिलेटेड टू गैंगेज प्लेन प्लेन का मतलब समतल मैदान की बात कर रहे इज एन एक्सटेंशन ऑफ द तराई रीजन ऑफ नेपाल विद मैनी ट्राइबुटेरीज ट्राइबुटेरी का मतलब क्या होता है सहायक नदी क्या होता है सहायक नदी ऑफ द गंगेज लाइक कोसी गंडक बागमती कमला बलान फ्लोइंग थ्रू इट इसी को बोलते हैं कि डेटा आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा लिख नहीं पाओगे क्योंकि तो कोई भी टीचर आपको सिखाएगा नहीं कैसे लिखो वो वर्ड बताएगा सेंटेंस का फॉर्म बताएगा पैटर्न बताएगा लिखना आपको है तो डेटा होगा तो लिख पाओगे नहीं तो इसीलिए बुक पढ़ा कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए आपके पास डेटा होगा फैक्ट्स होगा फिगर्स होगा जिसे आप लिखेंगे आगे क्या बोला गया इट इज अ फ्लड प्रोन रीजन फ्लड प्रोन प्रोन का मतलब क्या होता है सुने एक्सीडेंटल प्रोन एरिया यानी यहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होती है प्रोन का मतलब होता है झुकाव इनक्लाइन वर्ड बोलते हैं इसके लिए कार में सीट होता है ना रिक्लाइन हो जाता है वो झुका देते हो सीट को आराम करने के लिए तो क्लाइन का मतलब होता है स्लोप तो इन झुकाव होना बोला गया इट इज अ फ्लड प्रोन रीजन कौन कौन से इस एरिया के बारे में बात किया गया है जैसे तो कोसी जहां पे है गंडक जहां पे है बागमती जहां पे है वो फ्लड प्रोन रीजन है बाढ़ आने की संभावना वहां बनी रहती है वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री और ये सबसे देश का बैकवर्ड एरिया होता है क्योंकि बाढ़ से हर एक साल प्रभावित होगा पीछे रह जाता है आगे बोला गया सेंट्रल बिहार साउथ ऑफ गैंगेज रीजन विद रीच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस और नदी के बगल में है तो खेती बाड़ी अच्छी होगी क्योंकि तो पानी उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया आगे मोस्ट ऑफ़ द नॉर्थ एंड सेंट्रल बिहार इज प्लेन विद नो सिग्निफिकेंट एलिवेशन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या बताया था तभी इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोमिनेंट बताए थे याद रखिएगा तो बोला गया जो प्लेन एरिया है यानी जो समतल एरिया है सिग्निफिकेंट no एलिवेशन और एलिवेशन का मतलब क्या था एलिवेट उत्थान यानी इस एरिया का उतना सिग्निफिकेंट एलिवेशन नहीं हुआ है अभी तक आजादी के बाद ये हो गया कंप्लीट ये पढ़ाने का पर्पस ये था कि आप किसी भी चीज के बारे में लिखेंगे आपके पास डेटा होना चाहिए फैक्ट्स फिगर्स होनी चाहिए क्लियर है मामला अब एक आओ यहां और बताते हैं एक वजह से पहले नहीं छोड़ेंगे टेंशन ना लें आप गुस्सा है गया जी not five, not five, not five, not five. थक गए अब देखो डेली क्लास होगी दो तो घंटे कैसे मैनेज करोगे एग्जाम कब है चलो मालूम है ना आज कौन सा डेट फिर थक थक क्यों रहे फिर अब देखिए वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग बता देंगे अब देखिए प्रेसी जब भी लिखोगे इसे प्रेसिस मत पढ़ना सी एस साइलेंट होता है है ना क्या क्या टर्म होगा सबसे पहले आपको करना क्या है मैं तरीका बता देता हूं पहला रीड द पैसेज कंप्लीटली गिर भी जाएंगे इधर केयरफुली यानी पैसेज को पूरा पढ़ेंगे पूरा ऐसा नहीं आधा पढ़ लिए टाइम जा रहा है आधा पढ़ के लिख दो तो आधा अधूरा मैसेज मिलेगा सामने वाला नहीं पढ़ेगा मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा दूसरी बात पैसेज में जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे भाई साहब वो आपका आई और वी नहीं होना चाहिए मैंने पहले ही बोला था कि अपने आत्मज्ञान का सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल आई मतलब मैं वी मतलब हम लोग क्लियर है ना आई वी का इस्तेमाल नहीं करना है आप जब भी इस्तेमाल करेंगे पैसे क्या बोलते हैं समरी में तो थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करोगे थर्ड पर्सन कौन होगा हा ही की बात करोगे सी की बात करोगे इट आएगा किसी इंसान का तब भी भी प्रीसी राइटिंग में आई और वी का इस्तेमाल ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है आई बोल दिया मतलब आई थिंक मेरा ये मानना है तुम्हारा ज्ञान वो नहीं मांग रहा तुमसे ध्यान रखना इस बात का तो आईवी का इस्तेमाल नहीं होगा समरी जब भी लिखा जाएगा इसका जो टेंस होना चाहिए प्रजेंट या फ्यूचर कभी भी नहीं होगा जब भी होगा पास्ट होगा प्रेजेंट में नहीं लिखोगे फ्यूचर में नहीं लिखना है ध्यान रखिएगा इस बात का ये जब भी होगा किस टेंस में होगा पास्ट में होगा ये तीन बातों का ध्यान रखना है जब प्रेस और ये नोट कर लीजिए आप ये नोट करने वाली बात है इतने देर से हम बके हैं कुछ तो परेशान करें आपको बंदूक पानी है क्या उसमें कोई बात नहीं रहने दीजिए नहीं नहीं ठीक इसका पी डी कहाँ मिलेगा मिल जाएगा अच्छा ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आई बातें नहीं वो तो आप लोग को आ ही गया वही मैं समझू कैमरा से आवाज़ कैसे आया? ऑनलाइन वाले भाई कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी अगर है तो बोलिए तो बोलना पड़ेगा और आप लोग नोट कीजिए यस वेरी गुड बहुत बढ़िया ये नोट कर लेना ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूं नोट कर लो गप नहीं करें प्लीज हमको कुछ मेन टॉपिक दे दीजिए टॉपिक पे बात कल से होगी आज ये लिखना है आपको कैसे लिखोगे नोटबुक सामने रखो पेन रखो हाथ से लिखो सर हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर होगा सर बताएंगे ये हिंदी वाले सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दीजिए मैं तभी से इंपॉर्टेंट बात ही कर रहा था ना और मैं आप लगता है बाद में आए हैं क्या ब्रदर एंड सिस्टर क्या नाम है आप लोग बीच में आए हैं क्या शुरू से बताइए सब चीज बताया है बताया कि नहीं बताया है ऐसे और लेटर का बता तो दिया है क्या है कैसे लिखना है नहीं लिखना है आगे बढ़े हो गया चलिए आप लोगों को देख के मुझे डर लग रहा है अंदर से पूरे गुस्से हो चुके गुस्से में हैं आप लोग एकदम मुंह सब बनल है भूख सबको लगा है भाई किसको नहीं लगा है भूख कैसे मालूम नहीं लगा है हम ये सब कौन रात में सोए नहीं है चार बजे सोए छह बजे जगे और यहीं रहे पूरी रात कल कल डायरेक्ट मैसेज का क्लास होगा सर तब तो जाके काम किए फिर आज काम करेंगे इसके मतलग, इसका मतलब ये हुआ सर आप इतने पकाऊ हैं कि पहले आइए दर्शन दीजिए निकल लीजिए क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें टोटल जो वो है ना आपका टोटल जो क्या होगा 85 फाइव है इस सेट को डिजाइन किया है आप बात, बात मत कीजिए प्लीज इस सेट को डिजाइन इसीलिए किया है इसमें सिनोनिमस भी है एंटोनिमस भी है वन वर्ड भी है और ईडीएम भी है ये इतना पढ़ा देंगे जैसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ है हर एक ऑप्शन का भी दो दो मीनिंग बता दिए एक में तो एक मेन वर्ड होगा चार ऑप्शन पांच वर्ड तो हो ही गया और पांच का अगर दो दो बता दिए कितना हो जाएगा दस हो जाएगा क्लियर है मामला तो आप इस पीडीएफ के साथ अगर इस चार पांच दिनों में छह सात दिनों में पाँच सौ छह सौ वर्ड पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो सकता है क्लियर मामला अब आप ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो हम इसमें हमारी क्या गलती है और आपको पढ़ना है क्योंकि तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबलरी फिर प्रेसी राइटिंग एस लेटर तो सब पढ़ना है और सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है क्योंकि तो शब्द नहीं होगा तो नहीं जानोगे तो आइए आज कुछ वर्ड पढ़ ले इसका शुभारंभ कर ही दे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे एक बजे से पहले नहीं नहीं उसका भी टाइम दो घंटे की क्लास है ना दो घंटे अगर लेटर पढ़ा दिए तो आप एक भी क्लास में नहीं बचेंगे नहीं आर... नहीं नहीं समझ रहे हैं ना एक घंटा लेटर पे बात करेंगे थोड़ा सा वो कैब पर बात करेंगे फिर प्रेसी पे बात करेंगे क्योंकि सात ही दिन आपके पास है ना ऐसा तो नहीं एक महीना है सर पाँच दिन चलने दीजिए लेटर ऐसा तो होगा नहीं इसलिए दो घंटे की क्लास रखी गई है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे कितना क्या पढ़ाना है क्लियर आइए क्या सोच रहे कोई दिक्कत ठीक है आ जाएंगे इधर ध्यान दो पहले इधर ध्यान दीजिए प्लीज कौन सा वर्ड लिखा हुआ है रिपल्सिव सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यानी सिनोनिमस वर्ड है सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी बिल्कुल एप्लीकेशन भी बता देंगे आइए रिपल्सिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है रिपल्सिव वर्ड का मीनिंग होता है जिस चीज से तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो क्या होते हो बोलिए क्या होते हैं

डिस्ट्रैक्ट तुम किस चीजों से होते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है तो रिपल्सिव वर्ड का एक मीनिंग और क्या निकल के आ जाता है, है जिसको हम बोलते हैं नफरत क्या बोलते हैं नफरत अब आइए इसका एक वर्ड यहां पर दिया हुआ है कौन सा यूनिफॉर्म क्या दिया हुआ है यूनिफॉर्म वर्ड को समझिए यूनिफॉर्म अपने आप में क्या होता है यूनिफॉर्म अपने आप में नाउन भी होगा यूनिफॉर्म अपने आप में एजेक्टिव भी होगा जब ये नाउन होता है तो इसका इस्तेमाल तुम कैसे करते हो देखो मैं यूज करना सिखा देता हूं वर्ड का मीनिंग आप जान जाएंगे स्कूल यूनिफॉर्म क्या होता है मतलब क्या हो गया पोशाक जिसको आप बोलते हैं क्लियर मामला तो यूनिफॉर्म वर्ड अगर नाउन होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा और ड्रेस के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अटायर क्या बोलते हैं और अटायर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है सेरेमोनियल अटायर किसी समारोह में जब कुछ पहन के जाते हो शादी है दुल्हन का ड्रेस वो पहन के जाएगी उसको सेरेमोनियल अटायर बोला जाएगा तो अटायर का मीनिंग भी पोशाक होता है ध्यान रखिएगा एजेक्टिव हो जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा अच्छे से पढ़ लो बहुत मजा आएगा एजेक्टिव हो जाए तो इसका मीनिंग होता है सिमिलर क्या होता है जैसे हम क्या बोलते हैं वी हैव यूनिफॉर्म प्रॉब्लम्स हम सभी के पास एक जैसी समस्या हम सब बेरोजगार है एक जैसी प्रॉब्लम है तो यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर और प्रॉब्लम क्या हो गया नाउन जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे क्या बोलोगे एजेक्टिव क्या बोलोगे एजेक्टिव क्लियर है मामला यहां तक अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कौन सा वर्ड है रिलायबल यह वर्ड बना है, है रिलायंस और फिर एक वर्ड होता है रिलाय एबल समझिएगा इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलाय होता है मेरा वॉव रिलायंट किसी भी वर्ड के एंड में ए एन टी लगा रहेगा ना वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा एजेक्टिव जैसे आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैग्निफिसेंट एजेक्टिव होता है रिलायंस में क्या लगा हुआ है ए एन सी तो एब्रैक्ट ना होना चाहिए ये ए एन सी सी है ये रिलायंस है तो रिलाय का मतलब क्या होता है भरोसा करना क्या करना यानी कि फेथ तो रिलायबल का मतलब क्या हो जाएगा भरोसे के योग्य कोई इंसान जिसको आप क्या बोलते हैं बिलीवेबल बोलते हैं बोलो है ना रिलायबल वही वो भरोसा करना ये मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा एक वर्ड से कई वर्ड आप सीखे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और लास्ट में एक वर्ड और ले आप जानते होंगे निकलता है नॉट और डिसगस्टिंग जो चीज बकवास है क्या है बेकार चीज है यानी जिस चीज को तुम क्या करते हो डिसलाइक करते हो डिसलाइक बोलिए डेस्पाइस बोलिए डिटेस्ट बोलिए ये होता है नफरत करना क्लियर है मामला इतना लिख लोगे, कितना इतना लिख लीजिए बस छोड़ देंगे ये लिख लीजिए नहीं इसमें सौ क्वेश्चन है ना इसलिए लिख लो इसको क्यों आज एक ही पढ़ाया ना इसीलिए फटाफट लिख लीजिए राइटिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा ऑनलाइन वाले भी लिख लें क्या कोई डाउट है इसे पढ़िएगा मेरी है यही है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लें ऑनलाइन वाले भाई बंधु किसी को कोई समस्या परेशानी हो गया लिख लिया आप हिंदी मीनिंग में नहीं लिखूंगा क्योंकि हिंदी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आप लोग नाराज मत हो जाइएगा मास्टर बाबा हिंदी लिखवे नहीं किया ये, faith, F -E -I -T -H. Faith जानते हैं ना आप लोग क्या होता है विश्वास हेत की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव क्या नाउन फेथफुल क्या होगा एजेक्टिव होगा है ना हेत का एंटोनिमस वर्ड क्या होगा का डिस्ट्रस्ट हो सकता है एक हो सकता है है ना कीट बोल सकते हैं डिसीप बोल सकते हैं डिविंडल वर्ड होता है ढेर सारे वर्ड्स होते हैं येलो वाला डिसलाइक एस्पाइश और डिटेस्ट नफरत करना होता है डिसलाइक नॉर्मल डिग्री का वर्ड है एस्पाइस का डिग्री बढ़ जाता है डिटेस्ट का डिग्री बढ़ जाता है शब्दों की अपनी डिग्री होती है जैसे आप फाइट बोलते हैं फाइट का भी मीनिंग क्या होता है फाइट क्या होता है फाइट फिर एक वर्ड आता है बैटल वो भी फाइट है फिर एक वर्ड आता है वॉर वो भी फाइट है डिफरेंस क्या है डिग्री का डिफरेंस होता है फाइट नॉर्मल जब फाइट होगी दोस्तों में हो जाए वाइफ हस्बैंड में हो जाए सास बहू में हो जाए वो फाइट है बैटल क्या होगा जैसे द बैटल ऑफ पानीपत वहां पे नहीं बोला गया था फाइट ऑफ पानीपत क्योंकि वहां पे जब फाइट हुई होगी तो बहुत से लोग प्रभावित हुए होंगे डिग्री बढ़ा तो बैटल का किया फिर आपने क्या बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप ऐसा नहीं बोलेंगे द फर्स्ट फाइट द फर्स्ट बैटल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस लेवल पे है तो वो डिग्री है ये डिग्री का फर्क है कोई मान लो आपको डिसलाइक कर रहा है नॉर्मल है पसंद नहीं करते बात नहीं करेंगे बात खत्म फिर उसके बारे में आप बात छेड़ रहे और सामने वाला बोल रहा है उसके बारे में बात ना करो नहीं तो फिर तुमसे भी बात नहीं करेंगे डिग्री बढ़ गया गुस्सा आ रहा है सामने वाले को डेस्पाइस तीसरी बार नाम लिया सामने वाले मोला उसको गोली मार देंगे तो डिग्री का डिफरेंस होता है इतने डिटेल्ड में आपको वो कैब में नहीं जाना सिंपल आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए तो क्या क्या पढ़ना है हमें यहां पे वो कैब कॉम्प्रीहेंशन एस प्रेसी राइटिंग और लेटर हमारे पास कितना घंटा है टू आवर्स डेली है तो टू आवर्स में क्या क्या करेंगे अभी डिवाइड कर देता हूं बता देता हूं कल शोरगुल मत मचाइएगा थर्टी मिनट्स लेटर पे बात करेंगे लिखी रहे हो गया थर्टी मिनट्स लेटर पे बात करेंगे उसके बाद फिर थर्टी मिनट्स किस पे बात करेंगे पैसेज कॉम्प्रीहेंशन प्रेशी पे बात करेंगे उसमें फोर्टी फाइव मिनट्स लग ही जाएगा तो कितना हो गया हमारा डेढ़ घंटा ये हो गया वो कैब पे ऐसे ही पांच दस मिनट बात करेंगे क्लियर और उसके बाद सीधा लेटर या फिर एप्लीकेशन तो पूछा नहीं जाएगा उस पर बात कर लेंगे तो ताकि दो घंटा डेली जो हमारा मिले हर एक टॉपिक को हम टच आप बोलेंगे नहीं सर पहले लेटर पे बात कीजिए दो दिन उसी पे तो आपके पास टाइम हाँ ये होता है एक महीना टाइम है तो पांच दिन लेटर कर देते पांच दिन ये कर देते लेकिन डेली टच करना है मामला समझ गए कोई डाउट समझ में आया बकवास तो नहीं लगा चलिए ठीक है वो तो जा सकते हैं आप लोग कल क्लास मैसेज मिल जाएगा और क्लास रेगुलर होगी आज तो नोट कर लिए हो आज तो, आज तो कुछ में से पढ़ाई नहीं समझाए हाँ वो चला जाएगा हाँ हाँ भिजवा देंगे आना होगा बिल्कुल आना होगा क्लास होगी तो क्या बोले आपके हाँ प्लेटफॉर्म पर नवीन कुमार सिंह हाँ उसको ऑफ करने दीजिए डिटेस्ट दि है डी टी एस टी एक मिनट ई ठीक है भिजवा देंगे देसी है बिल्कुल नहीं पड़ेगा वो क्या पे पांच मिनट देंगे नहीं नहीं आज इसे हाँ हाँ समझ गए सही बात कुछ नहीं याद है सही बात समझ रहे हैं वही तो कल बताएंगे बिल्कुल होगा तो आप जो बंधु लेटर लिखेंगे लेटर जो आप लिखेंगे वर्ड उसमें लिखोगे वर्ड नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे भारी कहाँ है वर्ड आपको लग रहा है नहीं नहीं आपको भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बचपन से पढ़े नहीं है लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा वो अपने लेवल का पूछेगा अपने लेवल का पूछेगा तो वो जिस लेवल का पूछेगा मुझे उस अब आप नहीं जान रहे ये आप हमने क्या बोला पहले सामान्य ज्ञान क्लियर ये हम नहीं जान रहे ये हमारी प्रॉब्लम है लेकिन एग्जामिनर हमें सुनेगा नहीं सुनेगा वर्ड पे कितना हम लास्ट में पांच या सात मिनट देंगे मात्र आज हम लेटर का टाइप आपको बताया क्या टाइप बताना जरूरी था सीधा हम आ जाते लेटर पे आप समझ नहीं पाते ये क्या है तो आज बता दिए फॉर्मल है इनफॉर्मल है बिजनेस है पर्सनल है बता दिए कल से उसका पैटर्न कि कैसे लिखा जाएगा अब आप बोलिएगा सर आप लिखिए थोड़ा हमारे इसलिए आप सीख नहीं जैसे हम पैटर्न देंगे मान लीजिए आपके पास सीट है और आपको बोलेंगे आप एक लिखिए तो जो भी मन में आता है पैटर्न पे आप लिखोगे कि पहले डेट लिखना है कि पहले एड्रेस लिखना है फिर मैसेज क्या देना है फिर लास्ट में जैसे हमने बताया पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर बॉडी होगी फिर कंक्लूजन होगा वो डेटा फैक्ट्स, जैसे यहां पढ़ाएंगे भी यहां पढ़ाएंगे भी फिर आपका पीडीएफ भी जाएगा इसलिए मैंने बोला कि लेटर वगैरह जो है सात दिन में तो पॉसिबल नहीं है सिखा देना बस समझा पा समझा पाएंगे मुश्किल से हाँ तो वो क्या करेंगे अभी जा रहे हैं बना के बहुत अच्छे से दस बारह चाहे ऐसे ही है दस बारह आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके मोबाइल में हो ताकि आप बार बार उसको पढ़ें बार बार घर पे देखें ताकि थोड़ा बहुत भी माइंड में रहे तो वहां जाके आप लिख पाएं तो आज का क्लास इसीलिए इंट्रोडक्शन गया था कि टाइप बताना था कल से हम पैटर्न बताएंगे उसी टाइप का दिया जाएगा बंधु बिल्कुल और हम क्या बोले आपको कि वर्ड देंगे नेगेटिव पॉजिटिव मान लो ऐसे लिखने दिया नेगेटिव देगा तो उसमें नेगेटिव वर्ड चाहिए तो नेगेटिव वर्ड होगा तभी तो कर पाओगे जैसे आज ये वर्ड हम मान लें रिपल्सिव तो रिपल्सिव नेगेटिव वर्ड हो गया हेट करने से है ना तो पॉल्यूशन कैसा होगा हमारे लिए रिपल्सिव होगा और ये नॉर्मल वर्ड है ये एडवांस वर्ड नहीं है हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम बचपन बचपन से पढ़े नहीं है क्योंकि तो रिपल्सिव डेली लाइफ में यूज किया जाता है लेकिन हम क्या है पढ़े नहीं है लेकिन एग्जाम नहीं सोचेगा कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बिल्कुल आना चाहिए वैसे और कुछ कोई डाउट भी रहा देखिए इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पहले क्यों पढ़ा है कॉम्प्रिहेंशन क्यों पढ़ा है कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए पढ़ाए पहला दिखाए कॉम्प्रिहेंशन कि आप पढ़ेंगे आप आंसर फाइंड कर लेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत टाइम मेरे को देना ऐसे पे और लेटर पे इस पे टाइम देना है वो कैब पे कितना टाइम दिया लास्ट में कर सकते हैं क्लियर है तो ऐसे लेटर पे कल से टाइम दिया जाएगा और, जाएगा और चार चार लेटर ही बताया जाएगा चार चार ऐसे ही बताया जाएगा कल से वही होगा टेंशन नहीं लेना है आज सब कुछ बता दिया आज का कोई डाउट नहीं क्लास तो डेली होगा बंधु संडे को भी क्लास सात दिन का क्लास छुट्टी का ही होगा उसके बाद हम लोगों का भी क्लास रहता है देखना होता है टेलीग्राम पे आएगा बात कर एडमिशन वाला वाला नहीं मिल रहा आपको ऑनलाइन सर तो तो से प्रैक्टिस लेटर लिख के पढ़ाते रहे हैं। तो?